1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे उनकी किताब पॉवर्टी ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ आप पारसी नहीं है आप पारसी नहीं है, है? आप दादा भाई नोरू जी के बेटे मतलब ये ये रोड आपके बाप की नहीं है मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है

हेलो फ्रेंड्स आज आपका स्वागत है अजय मूवीज रिव्यू में तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं फर्जी मूवी की फुल हिंदी में स्टोरी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टार कास्ट के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये मूवी हिट हुई थी या अपलाप और इस फिल्म को बनाने का ख्याल राज और डी के जी को कब आया और इस फिल्म की स्क्रिप्ट इन्होंने कैसे तैयार की इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स फर्जी एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो राज और डी के द्वारा निर्मित और निर्देशित की गई है जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सालेखन भी किया है इस फिल्म में शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा हैं और यह एक निराश कलाकार की कहानी बताती जो नकली पैसा बनाने का फैसला करते हैं तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज और डीके ने और इस फिल्म को लिखा है सीता मेनन सुमन कुमार राज और डीके जी ने और इस फिल्म को स्टार कास्ट किया है शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना भोन अरोड़ा जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है सचिन जिगर जी ने और तनीष बख्शी ने उत्पादन कंपनी है डी टू आर फिल्म्स के तहत इस फिल्म को उत्पादित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी फर्जी को दो हज़ार तक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन अलीबाग गोवा नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ था सचिन जिगर और तनिष बख्ची ने गीतों की रचना की जबकि केतन सोढ़ा ने स्कोर प्रदान किया है और ये श्रृंखला राज और डी की जासूसी श्रृंखला द फैमिली माइंड के साथ निरंतरता साझा करती है आठ एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी फर्जी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है फरवरी 2023 के अंत तक कपूर ने इसकी पुष्टि की कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस आएंगे फर्जी सनी के बारे में जो एक कलाकार हैं जो अपने दादा की व्यापक प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए आसमानता से निराश हो गए हैं वो नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करते हैं और उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सह निर्माता निदमोरू के अनुसार फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ है नकली जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करते हैं सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे तो फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करता है परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे में पड़ जाता है है निराश होकर सनी और फिरोज ने पांच सौ रुपए के नकली नोट छापने का फैसला किया और प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है इस बीच एक दृढ़ निश्चय अधिकारी माइकल नेपाल में अपने प्रतिद्वंदी जालसाजी सरगना मंसूर दलाल को पकड़ लेता है हालांकि मंसूर बच जाता है और बाद में मंसूर सनी और फिरोज का अपहरण भी कर लेता है माइकल के जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी एफ ए आर टी की स्थापना की गई और वो टास्क फोर्स जिसे वो गहलोत की मदद से चाहते थे उनका अपना पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता आर बी आई ने अपनी नौकरी में असंतुष्ट मेघा माइकल की टीम में शामिल हो जाती है और वो जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है जब वो माइकल को उस कलाकार की जाँच करने से रोकती है जिसका नकली नोट उसे मिला था और उनके ऑपरेशन का लगभग भांडा फोड़ हो जाता है इस बीच सनी और फिरोज को एक राजनेता के लिए नकली पैसा छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में बीस करोड़ की खेप पहुंचाते हैं तब रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे मेघा का नकली नोट स्कैनर धनरक्षक गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया था जिनका मानना था कि मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जिताने में मदद करेगा इस बीच माधव मनोभ्रंश से पीड़ित हो जाता है और धनरक्षक के कारण हुई गिरफ्तारी से मंसूर बौखला जाता है सनी की कलात्मकता से प्रभावित होकर धनरक्षक उसके नोट का पता नहीं लगा सकता मंसूर उसका और फिरोज का अपहरण कर लेता है और शनि को अपने अपराध संगठन के लिए काम करने का प्रस्ताव भी देता है सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाते हैं और जार्डन में उसकी प्रयोगशाला में दो हज़ार रुपये का नकली नोट तैयार करते हैं मंसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करते हैं और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करते हैं बांग्लादेश में मंसूर के गुर्गे बिलाल को माइकल और टीम ने उन्हें पकड़ लिया माइकल बिलाल को धमकाता है और उसे मुखबिर बना देता है मुंबई वापस आकर मंसूर ने सनी को सी में घुसपैठ करने के लिए कहा वो मेधा के साथ मीटिंग करता है और उसका फोन हैक करने में कामयाब हो जाता है सनी मेघा के फोन के जरिए सीसी एफ आर टी की योजनाओं की जासूसी करती है तब माइकल को और बिलाल और मंसूर के संगठन के एक नए गुप्तचर से जानकारी मिलती है दोनों संगठनों के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मंसूर भारत में बारह हज़ार करोड़ के नकली नोटों की तस्करी के लिए टोर्जन हार्स योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नौचालक दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकदी की तस्करी करती है सनी और फिरोज कंपनी संपत्ति का आनंद लेते हैं और अलीशान फ्लैटों में रहने लगते हैं सनी खुद को मेघा के प्यार में फंसता हुआ पाते हैं और उनके फोन से ट्रैकर हटा देते हैं मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोटों में अपने हस्ताक्षर एस छोड़ रहा है मंसूर नकली नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी से शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह भी करता है माइकल कलाकार को लुभाने के लिए एक योजना भी तैयार करता है तो सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने में सफल हो जाता है पीछा करने दो, के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज ने नकली नकदी नोटों पर को बिखेर दिया और इससे ऑपरेशन होकर मंसूर उड़ने का आदेश देता है लेकिन सनी भागने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है और मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस में आग लगा दी जिससे प्रतीत होता है कि उसकी मौत हो गई है क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है उसने मंसूर के कई लोगों को मार डाला और नकदी में आग लगा दी और मंसूर से वादा किया कि वह अधिक के लिए वापस आएगा इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया है मेघा सनी की पहचान उजागर करने के करीब है तो फर्जी की कल्पना पहली बार 2014 में शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ राज एंड डी के द्वारा एक फिल्म के रूप में की गई थी कृति सनून साल के अंत तक कलाकारों में शामिल हो गई और 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया है जिसमें कपूर अभी भी जुड़े हुए हैं जनवरी दो में कपूर ने इसकी पुष्टि की कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई हैं सितंबर दो में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वह पर कर रहे थे जब वे चेन्नई में द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तो राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की और फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वो प्रोडक्शन में शामिल हो गई थी सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी पहली सहकलाकार राशि खन्ना को दिया जिसके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्मों में काम किया था और मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन गोवा अलीबाग नेपाल और जॉर्डन में भी शुरू हुआ था कज कुमार ने छायाकार के रूप में कार्य किया है अमेजन द्वारा 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजनाओं की लांच प्रदर्शनी के दौरान श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की है और शाहिद कपूर सेतुपति विजय खन्ना के के मेनन रे रेजिना केसेड्रा जाकिर हुसैन भुवन अरोड़ा अमोल पलेकर और कुब्रा सैद सभी को अभिनय करने की घोषणा की गई थी देश में जाली नोट पकड़े जाने की खबरें जोर पकड़ने लगी थी जाली नोटों के कारोबार की, की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे पूरी तरह खत्म करना सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं के लिए भी मुश्किल हो गया है प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई राज एंड डीके की वेब सीरीज फर्जी ही ऐसी ही खबरों से निकली एक कहानी है जिसमें देश में जाली नोटों के जाल इस काले कारोबार को लेकर राजनेताओं की सोच और मिली आर्थिक असमानता और ईमानदार अफसरों की जिद और जुनून को दिखाया गया है साथ ही साथ सीरीज जाली नोटों के कारोबार की कड़ियों को बारीकी से दिखाती है तो इस सीरीज़ में शाहिद कपूर ने ओ टी प्लेटफार्म पर डेब्यू किया है सीरीज की पूरी उन्हीं के किरदार सनी यानी आर्टिस्ट को केंद्र में रखकर की गई है जाली नोटों के इस कारोबार का वो एक मामूली मोहरा होते हैं मगर अपने दुर्लभ हुनर के चलते इस कारोबार की धुरी बन जाते हैं यह सीरीज साउथ के लोकप्रिय कलाकार विजय सेतुपति का भी डिजिटल डेब्यू है वहीं राशि खन्ना यह दूसरी हिंदी सीरीज है ओ टी टी स्पेस में क्राइम पर आधारित वेब सीरीज और सोच की कमी नहीं है मगर ज़्यादातर गैंगस्टर बाहुबली आतंकवाद जासूसी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के आसपास ही घूमती नजर आ रही है ऐसे में जाली नोटों के अधिक अपराध पर बनी फर्जी ओ टी टी स्पेस के कंटेंट में एक नयापन लेकर आती है फर्जी तेज़ रफ्तार थ्रिलर है जिसमें बोझिल करने वाले लम्हे कम ही हैं कहानी के कमज़ोर हिस्सों के स्क्रीन प्ले अभिनय और संवादों के हुमर ने संभाला है सनी यानी कि शाहिद कपूर एक पेंटर और स्केच आर्टिस्ट हैं बेहद प्रभाशाली और बारीकियों को देखने की जो नज़र उसे मिली है वो दुर्लभ है अपना नाना माधव यानी कि आमोल पालिकर के साथ उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं नाना और बचपन के दोस्त फिरोज़ यानी कि भुवन अरोड़ा के अलावा उसका कोई नहीं है सनी का पिता चोर था जो बचपन में उसे एक ट्रेन में छोड़कर चला जाता है मासूम सनी अलग अलग स्टेशन पर पेंटिंग बनाता रहता है इस उम्मीद में कि कहीं उसके पिता देख लें और उसे ले जाएं मगर पिता की मौत हो चुकी होती है एक स्टेशन पर उसे नाना मिल जाते हैं जो फिरोज को भी साथ ले आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके नाना समाज में क्रांति लाना चाहते हैं इसके लिए कर्ज लेकर भी क्रांति मगनीज निकाल रहे हैं बार बार मोहल्ले के बाद भी कर्ज चुका नहीं पाते हैं आर्थिक तंगी के कारण प्रेस बंद करने की नौबत आ जाती है नाना की इस हालत को देखते हुए सनी अपने हुनर का इस्तेमाल करके जाली नोटों के धंधे में उतर जाता है पहले ज़रूरत और मजबूरी में शुरू हुए इस खेल का चस्का सनी को लगा और अपनी आर्थिक परेशानियों से निजात पाने का सहारा मिल जाता है लालच सही गलत की सोच को खो जाता है यानी कि उसे खा जाता है सनी की शोहरत जाली नोटों की कारोबार की एक बड़ी मछली मंसूर दलाल यानी कि के के मेहनत तक पहुंच जाती है सनी उसके साथ काम करने लगता है यह आर्टिस्ट ऐसा जाली नोट बनाता है जिसे रक्षक मशीन भी नहीं पकड़ पाती है दोनों मिलकर बारह हज़ार करोड़ की नकली करेंसी को बाजार में उतारना चाहते हैं ये मंसूर की जिंदगी का सबसे बड़ा दाव है जो उसने न्यूकमर आर्टिस्ट पर लगा दिया है मगर माइकल वेदयानम यानी कि विजय सेतुपति के नेतृत्व में नवगठित सरकारी एजेंसी सी सी एफ ए आर टी सनी और मंसूर के तहत एक प्लान को पलीता लगाने के लिए तैयार हैं तो लगभग एक एक घंटे के आठ एपिसोड में फैली कहानी का स्क्रीन प्ले निर्देशक जोड़ी राज निधि निधिमू कृष्ण डी के सीता और मेनन और सुमन कुमार ने लिखा है कि हिंदी संवाद हुसैन दलार और अतिरिक्त संवाद राघव दत्त ने लिखे हैं साधारण चोर पुलिस का कहानी को जाली नोटों के धंधे की पृष्ठभूमि पर हुमन और थिल्लर के साथ चुस्त स्क्रीन प्ले में ढालने का श्रेय लेखकों जाता है हास्य और संयोजन इसे दर्शनी बनाते हैं राज एंड डी के और उनके टीम के लेखन में अंतर्निहित ह्यूमर सबसे बड़ी ताकत होती है जो गोवा गोन से लेकर द फैमिली मैन सीरीज तक जारी है फर्जी के स्क्रीन प्ले में सनी के नरेशन को चुटकले अंदाज में इस्तेमाल किया गया है जो अपनी कहानी सुना रहा है पहले एपिसोड में भी सभी प्रमुख किरदारों का परिचय हो जाता है और फिर आगे के एपिसोड में कहानी की रवानगी के अनुसार वो आते जाते रहते हैं फर्जी का स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से सनी यानी आर्टिस्ट और माइकल के टैक्स के साथ लेकर चलता है एक तरह सनी अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करके नकली नोटों के धंधों में उतर रहा है तो दूसरी ओर माइकल जाली नोटों के कारोबारी मंसूर दलाल के पीछे पड़ा है माइकल की हिट लिस्ट में सनी कहीं नहीं है उस सारी कवायद मंसूर पकड़ने के लिए ही शुरू के चार एपिसोड में अपनी जरूरत के लिए सनी को जाली नोटों के धंधे में उतारते दिखाया गया है और इस क्रम में जाली नोट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है वैसे हास्य हिंदी सिनेमा में कम ही दिखे गए हैं कागज का इंतजाम रंगों का मिश्रण डिजाइन की बारीकियों और सेफ्टी स्ट्रिप के दृश्य रोमांचक पैदा करते हैं पाँचवें एपिसोड में दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्यचकित तबीयत सामने आती है जब द फैमिली मैन वाले चैलम सर स्क्रीन पर आते हैं और यह किरदार कहानी की ओर एक अहम मोड़ देता है आगे के एपिसोड में माइकल मंसूर और सनी के बीच चोर पुलिस का खेल जारी रहता है जब इसका जाली नोट नहीं पकड़ा जाता तो सनी का हौसला और बढ़ जाता है और वो बड़ा खेल खेलने लगता है मंसूर के लिए वो दो हज़ार रुपये का ऐसा जाली नोट बनाता है जिससे फर्जी नोट पहचानने वाली मशीन तक नहीं पकड़ पाती है अब पुलिस को उस आर्टिस्ट की भी तलाश है जिसे मंसूर के लिए बारह हज़ार करोड़ को मार्केट में उतारना आसान नहीं है पुलिस से आगे रहने के लिए मंसूर को पुलिस के बीच एक मुखबिर चाहिए इसके लिए सनी आरबीआई की एक कर्मचारी और माइकल की स्टाक फोर्स की मेंबर राशि खन्ना को फंसाता है और उसके मोबाइल में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए उनके हर कदम को जान लेता है सीरीज का क्लाइमैक्स थोड़ा फिल्मी हो गया है जो मंसूर से सनी के बदले में केंद्रित है आर्थिक अपराधों के लिए सियासत में संजीदगी की कमी को मंत्री पवन गहलोत यानी कि जाकिर हुसैन और सियासी मिली भगत को एक पूर्व एमएलए के किरदार के जरिए बखूबी दिखाया गया है फेक करेंसी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्टाक फोर्स की मांग करते माइकल को देखा जा रहा है यह उनकी निजी जरूरत है सनी के किरदार में शायद कपूर के नेचुरल रहने की पूरी कोशिश की गई है उनकी वेशभूषा और हुलिया किरदार की चरित्रिक गुणों को स्पोर्ट करता है सनी आला दर्जे का पेंटर होने के साथ स्ट्रीट स्मार्ट है सातिर अपराधी नहीं इसीलिए सही गलत के द्वंद में रहता है भले ही दोस्त और पार्टनर फिरोज से सामने जाहिर नहीं करता माइकल तेज तर्रार देश के लिए समर्पित और जुनूनी अधिकारी है मगर पर्सनल लाइफ में फेल है उसकी शादी टूटने की कगार पर है बच्चे की कस्टडी के लिए केस चल रहा है माइकल का ये प्लाट घिसा पीटा लगता है रेजना कैसेड्रा ने माइकल की पत्नी रेखा राव का किरदार निभाया है जिसका अफेयर चल रहा है द फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी के किरदार को भी ऐसी पारिवारिक उलझन में जूझता दिखाया गया है हालांकि अपराधी को पकड़ने के लिए हदों को तोड़ने वाले अफसर के किरदार में विजय प्रभावित करते हैं इस किरदार का खाका भी काफ़ी हद तक श्रीकांत तिवारी का लाइन्स पर है और आरबीआई अधिकारी और माइकल की टास्क फोर्स की मेघा व्यास के किरदार में राशि खन्ना जमती हैं सनी के साथ उनके दृश्य और बातचीत वास्तविकता के करीब लगती हैं दोनों की केमिस्ट्री लुभाती है लेखकों ने दोनों के रोमांटिक ट्रैकों को खींचने की कोशिश नहीं की है और इसे जरूरत के हिसाब से स्पेस दिया गया है मंसूर दलाल के रोल में के के मेनन का लुक काफ़ी फंकी रखा गया है ह्यूमरस और सातिर भी हैं इन सब के बीच फिरोज के किरदार में भुवन अरोड़ा उभर कर सामने आते हैं दरअसल ये ऐसा किरदार है जो हर चीज़ में संतुलन रखने की कोशिश कर रहा है सनी के साथ उसकी वांडिंग और निस्वार्थ दोस्ती सीरीज का हाईलाइट है यह कुछ उसी तरह है जैसे द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी और जेके होते हैं तोफिन्स फर्जी एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म है जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सल लेखन भी किया है इस फिल्म में शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भूवर अरोड़ा हैं यह एक निराश कलाकार की कहानी बताती हैं जो नकली पैसा बनाने का फैसला करती हैं तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज और डी ने और इस फिल्म को अभिनित किया है शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है केतन सोढ़ा ने सचिन जिगर और तनीष बख्ची जी ने बेस भारत भाषा हिंदी में इस फिल्म को बनाया गया है तो शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन अलीबाग गोवा नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ था सचिन जिगर और तनिष बख्ची ने गीतों की रचना की है जबकि केतन सोढ़ा ने स्कोर प्रदान किया है यह श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है आठ एपिसोड की श्रृंखला दस फरवरी दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी फारजी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्टीमिंग श्रृंखला के रूप में ओफरी फरवरी 2023 के अंत तक कपूर ने पुष्टि की है कि सो दूसरे सीजन के लिए वापस आएगा तो फैंस सनी के बारे में जो एक जो अपने दादा की व्यापक प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आय असमानता से निराश हो गए हैं वो नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ है नकली जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे तो संदीप सनी के रूप में शाहिद कपूर हैं एक निराश कलाकार हैं विजय सेतुपति माइकल वेदनायम आईपीएस के रूप में हैं एक विशेष कार्यबल अधिकारी और जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी ए एफ ए आर टी के प्रमुख हैं मंसूर दलाल के रूप में के के मेनन एक आपराधिक मास्टरमाइंड जो जार्डन में स्थित भारत में नकली नेटवर्क का प्रमुख है राशि खन्ना मेघा व्यास के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की एक अधिकारी हैं जो बाद में सी सी ए एफ ए आर टी में शामिल हो गई हैं फिरोज के रूप में भुवन अरोड़ा सनी के सबसे अच्छे दोस्त और साथी हैं यासिर के रूप में चिरंतन गिरी क्रांति पत्रिका के एक कर्मचारी हैं जाकिर हुसैन वित्त मंत्री पवन गहलोत के रूप में हैं सी सी एफ आर टी के सदस्य शेखर गहलोत के रूप में जसवंत सिंह दलाल हैं माधव के रूप में अमोल पालेकर सनी के दादा और क्रांति पत्रिका के मालिक भी हैं तो शायरा के रूप में कुब्रा शायद मंसूर की वरिष्ठ हैं माइकल की पूर्व पत्नी रेखा राव के रूप में रेजिना कैसेड्रा हैं और काव्या थापर अनन्या के रूप में सनी की पूर्व प्रेमिका हैं चिरंतन त्रिपाठी माइकल के तलाक वकील के रूप में हैं लकड़ा वाला के रूप में लोकेश मित्तल हैं जीतू काका मंसूर के चाचा और मैनेजर के रूप में विजय कुमार हैं साकिब अयूब अनीस सनी और फिरोज के दोस्त और एक छोटे गुंडे के रूप में हैं कर्ण मान कमांडर मुर्तजा के रूप में हैं मंसूर के गुर्गे बिलाल के रूप में नीलेश देवेकर हैं एम के जी पब्लिशिंग में रिसेप्शनिस्ट के रूप में दर्शनी इंदकर हैं सुपर्ण के रूप में अच्छे गुनावत हैं मंसूर के गुर्गे जमाल के रूप में सौरव चक्रवर्ती हैं रेखा की तलाक वकील के रूप में मृडमयी गोड बोले हैं और युवा सनी के रूप में अरमान भानुशाली हैं युवा फिरोज के रूप में कबीर खान हैं अर्जुन नायर के रूप में विवेक मदान हैं विधायक के सारी भाई दूसरी के रूप में गोविंद पांडे हैं व्योम रेखा और माइकल के बेटे के रूप में दिव्यम शुक्ला हैं बांग्लादेशी तस्कर टीटू खिल्लू के रूप में आशुतोष प्रियदर्शी हैं और स्वेताला के रूप में अन्ना एडोर हैं तो निम्नलिखित अभिनेता द फैमिली मैन की अपनी भूमिकाओं को में उदय महेश हैं अजय यादव सब इंस्पेक्टर सिंधे के रूप में हैं अजीत के रूप में विजय विक्रम जी अपने रोल को प्ले कर रहे हैं पुनीत बनर्जी के रूप में रुद्रनी बनर्जी हैं श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज वाजपेयी हैं तो इस फिल्म में सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करते हैं परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे में पड़ जाता है निराश होकर सनी और फिरोज ने पाँच सौ रुपये के नकली नोट छापने का फैसला किया प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है इस बीच एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी माइकल नेपाल में अपने प्रतिद्वंदी जालसाजी सरगना मंसूर दलाल को पकड़ लेते हैं हालांकि मंसूर बच जाता है और बाद में मंसूर सनी और फिरोज का अपहरण कर लेता है माइकल ने जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी एफ ए आर टी की स्थापना की और वो टास्क फोर्स जिसे वो गहलोत की मदद से चाहता है कि उनका अपनी पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है आरबीआई में अपनी नौकरी से असंतुष्ट मेघा माइकल की टीम में शामिल हो जाती है और वो जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है जब वो माइकल को उस कलाकार की जांच करने से रोकती है जिसका नकली नोट उसे मिला था और उनके ऑपरेशन का लगभग भांडा फोड़ हो जाता है इस बीच उनके ऑपरेशन का लगभग असनी और फिरोज को एक राजनेता के लिए नकली पैसे छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में बीस करोड़ की खेप पहुंचाते हैं रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे मेगा का नकली नोट स्कैनर धनरक्षक गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया था जिनका मानना था कि मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जिताने में मदद करेगा इस बीच माधव भनोभ्रंश से पीड़ित हो जाते हैं और धनरक्षक के कारण हुई गिरफ्तारी में मंसूर बौखला गए हैं सनी की कलात्मकता से प्रभावित होकर धनरक्षक उसके नोट का पता नहीं लगा सकते मंसूर और उसका फिरोज का अपहरण कर लेते हैं और शनि को अपने अपराध संगठन के लिए काम करने का प्रस्ताव देते हैं शनि मंसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और जार्डन में उसके प्रयोगशाला में 2000 रुपए का नकली नोट तैयार करता है मंसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करता है और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करता है बांग्लादेश में मंसूर के गुरगे बिलाल को माइकल और टीम ने भी पकड़ लिया है माइकल बिलाल को धमकाता है और उसे मुखफिर बना देता है मुंबई वापस आकर मंसूर ने सनी को सी सी एफ आर टी में घुसपैठ करने के लिए कहा वो मेघा के साथ मीटिंग करते हैं और उसका फ़ोन हैक करने में कामयाब हो जाते हैं सनी मेघा के फ़ोन के जरिए सी सी एफ ए आर टी की योजनाओं की जासूसी करती है माइकल को विलाल और मंसूर के संगठन के एक अन्य गुप्तचर से जानकारी मिलती है दोनों संगठनों के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मंसूर भारत में बारह हज़ार करोड़ के नकली नोटों की तस्करी के लिए ट्रोजन हार्स योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नाव चालक दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकदी की तस्करी करती है सनी और फिरोज अपनी संपत्ति का आनंद लेते हुए और अलीसान फ्लैटों में रहने लगते हैं सनी खुद को मेघा के प्यार में फंसता हुआ पाते हैं और उसके फोन से ट्रैकर हटा देते हैं मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोटों में अपने हस्ताक्षर ऐस छोड़ रहा है मंसूर नकली नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी से शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता है माइकल कलाकार को लुभाने के लिए एक योजना तैयार करता है सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने में सफल हो जाता है पीछा करने के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज ने नकली नकदी सड़कों पर बिखेर दी इससे अप्रसन्न होकर मंसूर उन्हें मारने का आदेश देता है लेकिन सभी भागने में अपने दोस्तों की मदद लेते हैं मंसूर ने माधव की प्रिंटिंग प्रिंस में लगा दी जिससे अतीत होता है उसकी मौत हो गई क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है और उसने मंसूर के कई लोगों को मार डाला और नकदी में आग लगा दी और मंसूर से वादा किया कि वो अधिक नगदी के लिए वापस आएगा इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया मेघा शनि की पहचान उजागर करने के करीब है तो फैंस फर्जी की कल्पना पहली बार 2014 में शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ राज एंड डी के द्वारा एक फ़िल्म के रूप में की गई थी कृति सनून साल के अंत तक कलाकारों में शामिल हो गई और 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था जिसमें कपूर अभी भी जुड़े हुए थे जनवरी 2021 में कपूर ने पुष्टि की कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई हैं और सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा है कि वो श्रृंखला पर काम कर रहे हैं जब वे चेन्नई में द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तो राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की और फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वो प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार कलाकार राशि खन्ना को दिया जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्मों में काम किया था मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई और फिल्मांकन गोवा अलीबाग नेपाल और जार्डन में भी हुआ था पंकज कुमार ने छायाकार के रूप में कार्य किया है अमेजन द्वारा 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजना की लॉन्च प्रदर्शनी के दौरान श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी कपूर से खन्ना के 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 में रेजना कैसेड्रा जागीर हुसैन भुवन अरोड़ा अमोल पालेकर और कुबरा सहित सभी को अभिनय करने की घोषणा की गई थी लेखिका सीता मेनन ने कहा है कि राज एंड डी के शो द फैमिली मैन के साथ क्रॉसओवर का संकेत देने वाला एक दृश्यपूर्ण नियोजित नहीं था और ये विचार राज को शूटिंग के दिन ही आया था डीके के बाद क्रॉसओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखलाओं में दुनिया एक दूसरे के समांतर चलती है तोफेंस इस फिल्म में सचिन जिगर की जोड़ी ने राज और डीके के लगातार सहयोगी हैं श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया है उन्होंने दो गाने बनाए हैं पैसा है तो सब फर्जी तनिष बख्ची ने तीसरा गीत आसमान तैयार किया इन तीनों गानों वाला एक साउंड एल्बम 28 जनवरी 2023 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल तीन ही गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक पैसा है तो इसे गाया है जिगर ने और सरैया ने नंबर दो सफर जी इसे प्रिया सरैया और सचिन जिगर जी ने गाया है और नंबर तीन आसमान इसे राघव मीटल तनिष बख्ची और अनुमिता नदेशन ने गाया है तो फिर शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे एक हफ़्ते बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को नकली 2000 नोट भेजने के लिए स्विगी के साथ सहिया और श्रृंखला 10 फरवरी दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की थी उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि की कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस आएगी मार्च 2023 में जोरावर सिंह कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह कुछ श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोटों को फेंकते दिखाया गया था तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में तो एन के सविल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजक कहानी के लिए धन्यवाद समान रूप से गति वाली श्रृंखला व्यक्तिगत अध्यायों और इसके सभी आठ भागों में अपनी गति बनाए रखती हैं और शाहिद कपूर विजय सेतुपति और के के मेनन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला है कि अतुल्य विजय सेतुपति जीवंत शो हैं जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में हैं न इसके कथानक और द हिंदू के अनुज कुमार ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से प्रतिकूल रूप से करते हुए लिखा है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्भा थी वो यहाँ बार बार दोहराई जाती है और कभी कभी परेशान भी करती है उन्होंने इस बात पर भी नाराज़गी व्यक्त की है कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया है लेकिन कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार पाया गया है रेडपी डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के के मेनन के प्रदर्शन की सराहना की है उसने पाया है कि कुछ एपिसोड एड लाइन पंपिंग वाले थे लेकिन अन्य को उबासी प्रेरक पाया है द प्रिंट की निदमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थिलर कहा और भुवन अरोड़ा को श्रृंखला का बेक आउट प्रदर्शन पाया है इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी है लेकिन बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ हो जाती है उन्होंने कहा है कि कपूर ने इस बार इसे बाहर कर दिया है विजय सेतुपति की उल्लेखनीय और के के मेनन को शीर्ष श्रेणी कहा जाता है कि नंदनी रामनाथ ने कहा है कि शो की खूबियों में अच्छी तरह से चुने गए कलाकार मजबूत व्यक्तिग्रण क्षण और मींस के रूप में बने रहने वाले संवाद शामिल हैं वो विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमाटीग्राफी से प्रभावित थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए लगातार कई टेक शामिल हैं और एक शानदार और प्रफुल्लित करने वाला मुंबई के ट्रैफिक जाम की स्थिति में पीछा करने वाला सीक्वेंस भी शामिल है द क्विंट के प्रत्यक्ष मिश्रा ने इसे धुरत मनोरंजक थ्रिलर कहा है और लालच प्रसिद्धि और शक्ति की मनमोहक प्रकृति की नकल करते हुए लगभग मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव बनाने के लिए कैमरा वर्कर और संपादन साक्षात काम करते हैं सौम्या राजेंद्र को फर्जी और द फैमिली मैन के बीच समानताएँ मिली हैं उन्होंने इसे ज़्यादातर मनोरंजक अपराध नाटक करार दिया है और कपूर को एंट्री हीरो के रूप में पसंद करने योग्य भी पाया है न्यूज अट्ठारह की देशिया शर्मा ने फर्जी को अति योग्य पाया लेकिन द फैमिली मैन जितना महान नहीं उन्होंने प्रदर्शन छायांकन और संगीत को श्रृंखला के मुख्य आकर्षण के रूप में चुना द टाइम ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने कहा है कि फर्जी एक ताज़ा और बेहद मनोरंजक घोटालेबाज गाथा है जिसके फायदे इसके नुकसान से कहीं अधिक हैं कास्टलिंग फार्म आर मैक्स मीडिया के अनुसार अनुमानित सैंतीस मिलियन दर्शक के साथ फर्जी अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है जिसने पहले रुद्रदा द ऑफ डार्कनेस दो द्वारा निर्धारित के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है इसका जाली बनाना लगभग असंभव था हालांकि वो भ्रम ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और देश में जाली नोट पकड़े जाने की खबरें जोर पकड़ने लगी थी जाली नोटों के कारोबार की, की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे पूरी तरह खत्म करना सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं के लिए भी मुश्किल हो गया है प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई राज एंड डी की वेब सीरीज फर्जी ही ऐसी ही खबरों से निकली एक कहानी है जिसमें देश में जाली नोटों के जाल इस काले कारोबार को लेकर राजनेताओं की सोच और मिली भगत आर्थिक असमानता और ईमानदार अफसरों की जिद और जुनून को दिखाया गया है साथ ही साथ सीरीज जाली नोटों के कारोबार की कड़ियों को बारीकी से दिखाती है तो इस सीरीज में शाहिद कपूर ने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है सीरीज की पूरी कल्पना उन्हीं के किरदार सनी यानी उन्हीं अस... के किरदार सनी यानी आर्टिस्ट को केंद्र में रखकर की गई है जाली नोटों के इस कारोबार का वो एक मामूली मोहरा होते हैं मगर अपने दुर्लभ हुनर के चलते इस कारोबार की धुरी बन जाते हैं यह सीरीज साउथ के लोकप्रिय कलाकार विजय सेतुपति का भी डिजिटल डेब्यू है वहीं राशि खन्ना यह दूसरी हिंदी सीरीज है ओ टी स्पेस में क्राइम पर आधारित वेब सीरीज और सोच की कमी नहीं है मगर ज़्यादातर गैंगस्टर, बाहुबली आतंकवाद जासूसी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के आसपास ही घूमती नजर आ रही है ऐसे में जाली नोटों के अधिक अपराध पर बनी फर्जी ओ स्पेस के कंटेंट में एक नयापन लेकर आती है फर्जी तेज़ रफ्तार थ्रिलर है जिसमें बोझिल करने वाले लम्हे कम ही हैं कहानी के कमजोर हिस्सों के स्क्रीन प्ले अभिनय और संवादों के हुमर ने संभाला है सनी यानी कि शाहिद कपूर एक पेंटर और स्केच आर्टिस्ट हैं बेहद प्रभताशाली और बारीकियों को देखने की जो नज़र उसे मिली है वो दुर्लभ है अपना नाना माधव यानी कि अमोल पालिकर के साथ उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं नाना और बचपन के दोस्त फिरोज यानी कि भुवन अरोड़ा के अलावा उसका कोई नहीं है सनी का पिता चोर था जो बचपन में उसे एक ट्रेन में छोड़कर चला जाता है मासूम सनी अलग अलग स्टेशन पर पेंटिंग बनाता रहता है इस उम्मीद में कि कहीं उसके पिता देख लें और उसे ले जाएं मगर पिता की मौत हो चुकी होती है एक स्टेशन पर उसे नाना मिल जाते हैं जो फिरोज को भी साथ ले आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके नाना समाज में क्रांति लाना चाहते हैं इसके लिए कर्ज लेकर भी क्रांति मगनीज निकाल रहे हैं बार बार मोहल्ल के बाद भी कर्ज चुका नहीं पाते हैं आर्थिक तंगी के कारण प्रेस बंद करने की नौबत आ जाती है नाना की इस हालत को देखते हुए सनी अपने हुनर का इस्तेमाल करके जाली नोटों के धंधे में उतर जाता है पहले जरूरत और मजबूरी में शुरू हुए इस खेल का चस्का सनी को लगा और अपनी आर्थिक परेशानियों से निजात पाने का सहारा मिल जाता है लालच सही गलत की सोच को खो जाता है यानी कि उसे खा जाता है सनी की शोहरत जाली नोटों की कारोबार की एक बड़ी मछली मंसूर दलाल यानी कि के के मेहनत तक पहुंच जाती है सनी उसके साथ काम करने लगता है यह आर्टिस्ट ऐसा जाली नोट बनाता है जिसे रक्षक मशीन भी नहीं पकड़ पाती है दोनों मिलकर बारह हज़ार करोड़ की नकली करेंसी को बाजार में उतारना चाहते हैं ये मंसूर की जिंदगी का सबसे बड़ा दांव है जो उसने न्यूकमर आर्टिस्ट पर लगा दिया है मगर माइकल वेदयानम यानी कि विजय सेतुपति के नेतृत्व में नवगठित सरकारी एजेंसी सी सी एफ ए आर टी सनी और मंसूर के तहत एक प्लान को पलीता लगाने के लिए तैयार हैं तो लगभग एक एक घंटे के आठ एपिसोड में फैली कहानी का स्क्रीन प्ले निर्देशक जोड़ी राज निधि कृष्ण डी के सीता और मेनन और सुमन कुमार ने लिखा है कि हिंदी संवाद हुसैन दलार और अतिरिक्त संवाद राघव दत्त ने लिखे हैं साधारण चोर पुलिस का कहानी को जाली नोटों के धंधे की पृष्ठभूमि पर ह्यूमन और थिल्लर के साथ चुस्त स्क्रीन प्ले में ढालने का श्रेय लेखकों जाता है हास्य और संयोजन इसे दर्शनी बनाते हैं राज एंड डी के और उनके टीम के लेखन में अंतर्निहित ह्यूमर सबसे बड़ी ताकत होती है जो गोवा गोन से लेकर द फैमिली मैन सीरीज तक जारी है फर्जी के स्क्रीन प्ले में सनी के नरेशन को चुटकले अंदाज में इस्तेमाल किया गया है जो अपनी कहानी सुना रहा है पहले एपिसोड में भी सभी प्रमुख किरदारों का परिचय हो जाता है और फिर आगे के एपिसोड में कहानी की रवानगी के अनुसार वो आते जाते रहते हैं फर्जी का स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से सनी यानी आर्टिस्ट और माइकल के टैक्स के साथ लेकर चलता है एक तरह सनी अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करके नकली नोटों के धंधों में उतर रहा है तो दूसरी ओर माइकल जाली नोटों के कारोबारी मंसूर दलाल के पीछे पड़ा है माइकल की हिट लिस्ट में सनी कहीं नहीं है उस सारी कवायद मंसूर पकड़ने के लिए ही शुरू के चार एपिसोड में अपनी जरूरत के लिए सनी को जाली नोटों के धंधे में उतारते दिखाया गया है और इस क्रम में जाली नोट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है वैसे हास्य हिंदी सिनेमा में कम ही दिखे गए हैं कागज का इंतजाम रंगों का मिश्रण डिजाइन की बारीकियों और सेफ्टी स्ट्रिप के दृश्य रोमांचक पैदा करते हैं पाँचवें एपिसोड में दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्यचकित तबीयत सामने आती है जब द फैमिली मैन वाले चलम सर स्क्रीन पर आते हैं और यह किरदार कहानी की ओर एक अहम मोड़ देता है आगे के एपिसोड में माइकल मंसूर और सनी के बीच चोर पुलिस का खेल जारी रहता है जब इसका जाली नोट नहीं पकड़ा जाता तो सनी का हौसला और बढ़ जाता है और वो बड़ा खेल खेलने लगता है मंसूर के लिए वो दो हज़ार रुपये का ऐसा जाली नोट बनाता है जिससे फर्जी नोट पहचानने वाली मशीन तक नहीं पकड़ पाती है अब पुलिस को उस आर्टिस्ट की भी तलाश है जिसे मंसूर के लिए बारह हज़ार करोड़ को मार्केट में उतारना आसान नहीं है पुलिस से आगे रहने के लिए मंसूर को पुलिस के बीच एक मुखबिर चाहिए इसके लिए सनी आरबीआई की एक कर्मचारी और माइकल की स्टास्क फोर्स की मेंबर राशि खन्ना को फंसाता है और उसके मोबाइल में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए उनके हर कदम को जान लेता है सीरीज का क्लाइमैक्स थोड़ा फिल्मी हो गया है जो मंसूर से सनी के बदले में केंद्रित है आर्थिक को मंत्री पवन गहलोत यानी कि जाकिर हुसैन और सियासी मिली भगत को एक पूर्व एम के किरदार के जरिए बखूबी दिखाया गया है फेक करेंसी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्टाक फोर्स की मांग करते माइकल को देखा जा रहा है ये उनकी निजी जरूरत है सनी के किरदार में शायद कपूर के नेचुरल रहने की पूरी कोशिश की गई है उनकी वेशभूषा और हुलिया किरदार की चरित्रिक गुणों को स्पोर्ट करता है सनी आला दर्जे का पेंटर होने के साथ स्ट्रीट स्मार्ट है सातिर अपराधी नहीं इसीलिए सही गलत के द्वंद में रहता है भले ही दोस्त और पार्टनर फिरोज से सामने जाहिर नहीं करता माइकल तेज तर्रार देश के लिए समर्पित और जुनूनी अधिकारी है मगर पर्सनल लाइफ में फेल है उसकी शादी टूटने की कगार पर है बच्चे की कस्टडी के लिए केस चल रहा है माइकल का ये प्लाट घिसा पीटा लगता है रेजना कैसेड्रा ने माइकल की पत्नी रेखा राव का किरदार निभाया है जिसका अफेयर चल रहा है द फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी के किरदार को भी ऐसी पारिवारिक उलझन में जूझता दिखाया गया है हालांकि अपराधी को पकड़ने के लिए हदों को तोड़ने वाले अफसर के किरदार में विजय प्रभावित करते हैं इस किरदार का खाका भी काफ़ी हद तक श्रीकांत तिवारी का लाइंस पर है और आरबीआई अधिकारी और माइकल की टास्क फोर्स की मेंबर मेघा के किरदार में राशि खन्ना जमती हैं सनी के साथ उनके दृश्य और बातचीत वास्तविकता के करीब लगती हैं दोनों की केमिस्ट्री लुभाती है लेखकों ने दोनों के रोमांटिक ट्रैकों को खींचने की कोशिश नहीं की है और इसे जरूरत के हिसाब से स्पेस दिया गया है मंसूर दलाल के रोल में के के मेनन का लुक काफ़ी फंकी रखा गया है ह्यूमरस और सातिर भी हैं इन सबके बीच फिरोज के किरदार में भुवन अरोड़ा उभर कर सामने आते हैं दरअसल ये ऐसा किरदार है जो हर चीज़ में संतुलन रखने की कोशिश कर रहा है सनी के साथ उसकी वांडिंग और निस्वार्थ दोस्ती सीरीज का हाईलाइट है यह कुछ उसी तरह है जैसे द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी और जेके होते हैं तोफिन्स फर्जी एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म है जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का साल लेखन भी किया है इस फिल्म में शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भुअर अरोड़ा हैं यह एक निराश कलाकार की कहानी बताती हैं जो नकली पैसा बनाने का फैसला करती हैं तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज और डीके ने और इस फिल्म को अभिनीत किया है शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है केतन सोढ़ा ने सचिन जिगर और तनीष बख्शी जी ने देश भारत भाषा हिंदी में इस फिल्म को बनाया गया है तो शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन अलीबाग गोवा नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ था सचिन जिगर और तनिष बख्ची ने गीतों की रचना की है जबकि केतन सोढ़ा ने स्कोर प्रदान किया है यह श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है आठ एपिसोड की श्रृंखला दस फरवरी दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी फारजी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में ओफरी फरवरी 2023 के अंत तक कपूर ने पुष्टि की है कि सो दूसरे सीजन के के लिए वापस आएगा तो सनी के बारे में जो एक जो अपने दादा की व्यापक प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आय असमानता से निराश हो गए हैं वो नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ है नकली जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे तो संदीप सनी के रूप में शाहिद कपूर हैं एक निराश कलाकार हैं विजय सेतुपति माइकल वेदनायागम आईपीएस के रूप में हैं, एक विशेष कार्यबल अधिकारी और जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी ए एफ ए आर टी के प्रमुख हैं मंसूर दलाल के रूप में के के मेनन एक आपराधिक मास्टरमाइंड जो जार्डन में स्थित भारत में नकली नेटवर्क का प्रमुख है राशि खन्ना मेगा व्यास के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की एक अधिकारी हैं जो बाद में सी सी ए एफ ए आर टी में शामिल हो गई हैं फिरोज के रूप में भुवन अरोड़ा सनी के सबसे अच्छे दोस्त और साथी हैं यासिर के रूप में चिरंतन गिरी क्रांति पत्रिका के एक कर्मचारी हैं जाकिर हुसैन वित्त मंत्री पवन गहलोत के रूप में हैं सी सी एफ आर टी के सदस्य शेखर गहलोत के रूप में जसवंत सिंह दलाल हैं माधव के रूप में अमोल पालेकर सनी के दादा और क्रांति पत्रिका के मालिक भी हैं तो शायरा के रूप में कुब्रा शैद मंसूर की वरिष्ठ हैं माइकल की पूर्व पत्नी रेखा राव के रूप में रेजिना कैसेड्रा हैं और काव्या थापर अनन्या के रूप में सनी की पूर्व प्रेमिका हैं चिरंतन त्रिपाठी माइकल के तलाक वकील के रूप में हैं लकड़ा वाला के रूप में लोकेश मित्तल हैं जीतू काका मंसूर के चाचा और मैनेजर के रूप में विजय कुमार हैं साकिब अयूब अनीस सनी और फिरोज के दोस्त और एक छोटे गुंडे के रूप में हैं कर्ण मान कमांडर मुर्तजा के रूप में हैं मंसूर के गुर्गे बिलाल के रूप में नीलेश देवेकर हैं एम जी पब्लिशिंग में रिसेप्शनिस्ट के रूप में प्रिय दर्शनी इंद्रकर हैं सुपर्ण के रूप में अच्छे गुनावत हैं मंसूर के गुर्गे जमाल के रूप में सौरव चक्रवर्ती हैं रेखा की तलाक वकील के रूप में गोट बोले हैं और युवा सनी के रूप में अरमान भानुशाली हैं युवा फिरोज के रूप में कबीर खान है अर्जुन नायर के रूप में विवेक मदान हैं विधायक के सारी भाई दूसी के रूप में गोविंद पांडे हैं व्योम रेखा और माइकल के बेटे के रूप में दिव्यम शुक्ला है बांग्लादेशी तस्कर टीटू खिल्लू के रूप में आशुतोष प्रियदर्शी हैं और स्वेताला के रूप में अन्ना एडोर हैं तो निम्नलिखित अभिनेता द फैमिली मैन की अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए कैमियो करते हैं चेल्लम के रूप में उदय महेश हैं अजय यादव सब इंस्पेक्टर सिंधे के रूप में हैं अजीत के रूप में विजय विक्रम जी अपने रोल को प्ले कर रहे हैं पुनीत बनर्जी के रूप में बनर्जी हैं श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज वाजपेयी हैं तो इस फिल्म में सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करते हैं परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे में पड़ जाता है निराश होकर सनी और फिरोज ने 500 रुपए रुपये के नकली नोट छापने का फैसला किया प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है इस बीच एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी माइकल नेपाल में अपने प्रतिद्वंदी जालसाजी सरगना मंसूर दलाल को पकड़ लेते हैं हालांकि मंसूर बच जाता है और बाद में मंसूर सनी और फिरोज का अपहरण कर लेता है माइकल ने जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी एफ ए आर टी की स्थापना की और वो टास्क फोर्स जिसे वो गहलोत की मदद से चाहता है कि उनका अपनी पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है आर में अपनी नौकरी से असंतुष्ट मेघा माइकल की टीम में शामिल हो जाती है और वो जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है जब वो माइकल को उस कलाकार की जांच करने से रोकती है जिसका नकली नोट उसे मिला था और उनके ऑपरेशन का लगभग भांडा फोड़ हो जाता है इस बीच उनके ऑपरेशन का लगभग असनी और, और फिरोज को एक राजनेता के लिए नकली पैसे छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में बीस करोड़ की खेप पहुंचाते हैं रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे मेघा का नकली नोट स्कैनर धन रक्षक गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया था जिनका मानना था कि मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जिताने में मदद करेगा इस बीच माधव भनोभ्रंश से पीड़ित हो जाते हैं और रक्षक की कारण हुई गिरफ्तारी में मंसूर बौखला गए हैं सनी की कलात्मकता से प्रभावित होकर रक्षक उसके नोट का पता नहीं लगा सकते मंसूर और उसका फिरोज का अपहरण कर लेते हैं और शनि को अपने अपराध संगठन के लिए काम करने का प्रस्ताव देते हैं शनि मंसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और जार्डन में उसकी प्रयोगशाला में दो हजार रुपये का नकली नोट तैयार करता है मंसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करता है और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करता है बांग्लादेश में मंसूर के गुरगे बिलाल को माइकल और टीम ने भी पकड़ लिया है माइकल बिलाल को धमकाता है और उसे मुखफिर बना देता है मुंबई वापस आकर मंसूर ने सनी को सी सी एफ आर टी में घुसपैठ करने के लिए कहा वो मेघा के साथ मीटिंग करते हैं और उसका फ़ोन हैक करने में कामयाब हो जाते हैं सनी मेघा के फ़ोन के जरिए सी सी एफ ए आर टी की योजनाओं की जासूसी करती है माइकल को विलाल और मंसूर के संगठन के एक अन्य गुप्तचर से जानकारी मिलती है दोनों संगठनों के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मंसूर भारत में बारह हज़ार करोड़ के नकली नोटों की तस्करी के लिए ट्रोजन हार्स योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नाव चालक दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकदी की तस्करी करती है सनी और फिरोज अपनी संपत्ति का आनंद लेते हुए और अलिसान फ्लैटों में रहने लगते हैं सनी खुद को मेघा के प्यार में फंसता हुआ पाते हैं और उसके फोन से ट्रैकर हटा देते हैं मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोटों में अपने हस्ताक्षर ऐस छोड़ रहा है मंसूर नकली नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी से शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता है माइकल कलाकार को लुभाने के लिए एक योजना तैयार करता है सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने में सफल हो जाता है पीछा करने के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज ने नकली नकदी सड़कों पर बिखेर दी इससे अप्रसन्न होकर मंसूर उन्हें मारने का आदेश देता है लेकिन सभी भागने में अपने दोस्तों की मदद लेते हैं मंसूर ने माधव की प्रिंटिंग प्रिंस में लगा दी जिससे अतीत होता है उसकी मौत हो गई क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है और उसने मंसूर के कई लोगों को मार डाला और नकदी में आग लगा दी और मंसूर से वादा किया कि वो अधिक नकदी के लिए वापस आएगा इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया मेघा शनि की पहचान उजागर करने के करीब है तो फर्जी की कल्पना पहली बार 2014 में शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ राज एंड डी के द्वारा एक फिल्म के रूप में की गई थी कृति सनोन साल के अंत तक कलाकारों में शामिल हो गई और 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था जिसमें कपूर अभी भी जुड़े हुए थे जनवरी 2021 में कपूर ने पुष्टि की कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई हैं और सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा है कि वो श्रृंखला पर काम कर रहे हैं जब वो चेन्नई में द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तो राज और डी के ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की और फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वो प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार राशि खन्ना को दिया जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्मों में काम किया था मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई और फिल्मांकन गोवा अलीबाग नेपाल और जार्डन में भी हुआ था पंकज कुमार ने छायाकार के रूप में कार्य किया है अमेजन द्वारा 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजना की लॉन्च प्रदर्शनी के दौरान श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी कपूर से खन्ना के 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 मेहन रेजना कैसेड्रा जाहिर हुसैन भुवन अरोड़ा अमोल पालेकर और कुब्राह सभी को अभिनय करने की घोषणा की गई थी लेखिका सीता मेनन ने कहा है कि राज एंड डीके के शो द फैमिली मैन के साथ क्रॉसओवर का संकेत देने वाला एक दृश्यपूर्ण नियोजित नहीं था और यह विचार राज को शूटिंग के दिन ही आया था डीके के बाद क्रॉसओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखलाओं में दुनिया एक दूसरे के समांतर चलती है तो फ्रेंड्स इस फिल्म में सचिन जिगर की जोड़ी ने राज और डीके के लगातार सहयोगी हैं श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया है उन्होंने दो गाने बनाए हैं पैसा है तो सब फर्जी तनिष बख्ची ने तीसरा गीत आसमान तैयार किया इन तीनों गानों वाला एक साउंड ट्रैक एल्बम 28 जनवरी 2023 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था तो फैंस इस फिल्म में कुल तीन ही गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक पैसा है तो इसे है जिगर ने और सरैया ने नंबर दो सफ फर्जी इसे प्रिया सरैया और सचिन जिगर जी ने गाया है और नंबर तीन आसमान इसे राघव मीटल तनिष बख्ची और अनुमिता नदेशन ने गाया है तो फिन साहिब कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे एक हफ्ते बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को नकली 2000 नोट भेजने के लिए स्विगी के साथ सहिया और श्रृंखला 10 फरवरी दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की थी उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि की कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस आएगी मार्च 2023 में जोरावर सिंह कल्सी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोटों को फेंकते दिखाया गया था तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में तो एन डी टी वी के सविर चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजक कहानी के लिए धन्यवाद समान रूप से गति वाली श्रृंखला व्यक्तिगत अध्यायों और इसके सभी आठ भागों में अपनी गति बनाए रखती हैं और शाहिद कपूर विजय सेतुपति और के के मेनन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला है कि अतुल्य विजय सेतुपति जीवंत शो हैं जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में हैं न इसके कथानक और द हिंदू के अनुज कुमार ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से प्रतिकूल रूप से करते हुए लिखा है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्भा थी वो यहाँ बार बार दोहराई जाती है और कभी कभी परेशान भी करती है उन्होंने इस बात पर भी नाराज़गी व्यक्त की है कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया है लेकिन कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार पाया गया है रेडपी डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के के मेनन के प्रदर्शन की सराहना की है उसने पाया है कि कुछ एपिसोड एड लाइन पंपिंग वाले थे लेकिन अन्य को उबासी प्रेरक पाया है द प्रिंट की निदमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और भुवन अरोड़ा को श्रृंखला का बेक आउट प्रदर्शन पाया है इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी है लेकिन बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ हो जाती है उन्होंने कहा है कि कपूर ने इस बार इसे बाहर कर दिया है विजय सेतुपति की उल्लेखनीय और के के मेनन को शीर्ष श्रेणी कहा जाता है कि नंदनी रामनाथ ने कहा है कि शो की खूबियों में अच्छी तरह से चुने गए कलाकार मजबूत व्यक्तिग्रण क्षण और मीन्स के रूप में बने रहने वाले संवाद शामिल हैं वो विशेष रूप से पंकज कुमार की सिनेमाटीग्राफी से प्रभावित थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए लगातार कई टेक शामिल हैं और एक शानदार और प्रफुल्लित करने वाला मुंबई के ट्रैफिक जाम की स्थिति में पीछा करने वाला सीक्वेंस भी शामिल है क्विंट के प्रत्यक्ष मिश्रा ने इसे धूर्त मनोरंजक थिल्लर कहा है और लालच प्रसिद्धि और शक्ति की मनमोहक प्रकृति की नकल करते हुए लगभग मंत्र कर देने वाला अनुभव बनाने के लिए कैमरा वर्कर और संपादन साथ काम करते हैं शाम्य राजेंद्र को फर्जी और द फैमिली मैन के बीच समानताएँ मिली हैं उन्होंने इसे ज्यादातर मनोरंजक अपराध नाटक करार दिया है और कपूर को एंट्री हीरो के रूप में पसंद करने योग्य भी पाया है न्यूज 18 की देशिया शर्मा ने फर्जी को अति योग्य पाया लेकिन द फैमिली मैन जितना महान नहीं उन्होंने प्रदर्शन छायांकन और संगीत को श्रृंखला के मुख्य आकर्षण के रूप में चुना द टाइम ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने कहा है कि फर्जी एक ताज़ा और बेहद मनोरंजक घोटालेबाज गाथा है जिसके फायदे इसके नुकसान से कहीं अधिक हैं कास्टलिंग फार्म आर मैक्स मीडिया के अनुसार अनुमानित सैंतीस मिलियन दर्शक के साथ फर्जी अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है जिसने पहले रुद्रदा आप डार्कनेस दो द्वारा निर्धारित को के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और देश में जाली नोट पकड़े जाने की खबरें जोर पकड़ने लगी थी जाली नोटों के कारोबार की, की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे पूरी तरह खत्म करना सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं के लिए भी मुश्किल हो गया है प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई राज एंड डी की वेब सीरीज फर्जी ही ऐसी ही खबरों से निकली एक कहानी है जिसमें देश में जाली नोटों के जाल इस काले कारोबार को लेकर राजनेताओं की सोच और मिली भगत आर्थिक असमानता और ईमानदार अफसरों की जिद और जुनून को दिखाया गया है साथ ही साथ सीरीज जाली नोटों के कारोबार की कड़ियों को बारीकी से दिखाती है तो इस सीरीज में शाहिद कपूर ने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है सीरीज की पूरी कल्पना उन्हीं के किरदार सनी यानी उन्हीं के किरदार सनी यानी आर्टिस्ट को केंद्र में रखकर की गई है जाली नोटों के इस कारोबार का वो एक मामूली मोहरा होते हैं मगर अपने दुर्लभ हुनर के चलते इस कारोबार की धुरी बन जाते हैं यह सीरीज साउथ के लोकप्रिय कलाकार विजय सेतुपति का भी डिजिटल डेब्यू है वहीं राशि खन्ना यह दूसरी हिंदी सीरीज है ओ टी टी स्पेस में क्राइम पर आधारित वेब सीरीज और सोच की कमी नहीं है मगर ज़्यादातर गैंगस्टर बाहुबली आतंकवाद घूमती नजर आ रही है ऐसे में जाली नोटों के अधिक अपराध पर बनी फर्जी ओ टी टी स्पेस के कंटेंट में एक नयापन लेकर आती है फर्जी तेज़ रफ्तार थ्रिलर है जिसमें बोझिल करने वाले लम्हे कम ही हैं कहानी के कमजोर हिस्सों के स्क्रीन प्ले अभिनय और संवादों के हुमर ने संभाला है सनी यानी कि शाहिद कपूर एक पेंटर और स्केच आर्टिस्ट हैं बेहद प्रभताशाली और बारीकियों को देखने की जो नज़र उसे मिली है वो दुर्लभ है अपना नाना माधव यानी कि आमोल पालकर के साथ उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं नाना और बचपन के दोस्त फिरोज यानी कि भुवन अरोड़ा के अलावा उसका कोई नहीं है सनी का पिता चोर था जो बचपन में उसे एक ट्रेन में छोड़कर चला जाता है मासूम सनी अलग अलग स्टेशन पर पेंटिंग बनाता रहता है इस उम्मीद में कि कहीं उसके पिता देख लें और उसे ले जाएं मगर पिता की मौत हो चुकी होती है एक स्टेशन पर उसे नाना मिल जाते हैं जो फिरोज को भी साथ ले आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके नाना समाज में क्रांति लाना चाहते हैं इसके लिए कर्ज लेकर भी क्रांति मगनीज निकाल रहे हैं बार बार मोहल्ल के बाद भी कर्ज चुका नहीं पाते हैं आर्थिक तंगी के कारण प्रेस बंद करने की नौबत आ जाती है नाना की इस हालत को देखते हुए सनी अपने हुनर का इस्तेमाल करके जाली नोटों के धंधे में उतर जाता है पहले जरूरत और मजबूरी में शुरू हुए इस खेल का चस्का सनी को लगा और अपनी आर्थिक परेशानियों से निजात पाने का सहारा मिल जाता है लालच सही गलत की सोच को खो जाता है यानी कि उसे खा जाता है सनी की शोहरत जाली नोटों की कारोबार की एक बड़ी मछली मंसूर दलाल यानी कि के के मैनत तक पहुंच जाती है सनी उसके साथ काम करने लगता है यह आर्टिस्ट ऐसा जाली नोट बनाता है जिसे धनरक्षक मशीन भी नहीं पकड़ पाती है दोनों मिलकर बारह हजार करोड़ की नकली करेंसी को बाज़ार में उतारना चाहते हैं यह मंसूर की जिंदगी का सबसे बड़ा दाव है जो उसने न्यूकमर आर्टिस्ट पर लगा दिया है मगर माइकल वेदयानम यानी कि विजय सेतुपति के नेतृत्व में नवगठित सरकारी एजेंसी सी सी एफ ए आर टी सनी और मंसूर के तहत एक प्लान को पलीता लगाने के लिए तैयार हैं तो लगभग एक एक घंटे के आठ एपिसोड में फैली कहानी का स्क्रीन प्ले निर्देशक जोड़ी राज निधिमू कृष्ण डी के सीता और मेनन और सुमन कुमार ने लिखा है कि हिंदी संवाद हुसैन दलार और अतिरिक्त संवाद राघव दत्त ने लिखे हैं साधारण चोर पुलिस का कहानी को जाली नोटों के धंधे की पृष्ठभूमि पर ह्यूमन और थ्रिलर के साथ चुस्त स्क्रीन प्ले में ढालने का श्रेय लेखकों जाता है हास्य और संयोजन इसे दर्शनीय बनाते हैं राज एंड डी के और उनके टीम के लेखन में अंतर्निहित ह्यूमर सबसे बड़ी ताकत होती है जो गोवा गोन से लेकर द फैमिली मैन सीरीज तक जारी है फर्जी के स्क्रीन प्ले में सनी के नरेशन को चुटकले अंदाज में इस्तेमाल किया गया है जो अपनी कहानी सुना रहा है पहले एपिसोड में भी सभी प्रमुख किरदारों का परिचय हो जाता है और फिर आगे के एपिसोड में कहानी की रवानगी के अनुसार वो आते जाते रहते हैं फर्जी का स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से सनी यानी आर्टिस्ट और माइकल के टैक्स के साथ लेकर चलता है एक तरह सनी अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करके नकली नोटों के धंधों में उतर रहा है तो दूसरी ओर माइकल जाली नोटों के कारोबारी मंसूर दलाल के पीछे पड़ा है माइकल की हिट लिस्ट में सनी कहीं नहीं है उस सारी कवायद मंसूर पकड़ने के लिए ही शुरू के चार एपिसोड में अपनी जरूरत के लिए सनी को जाली नोटों के धंधे में उतारते दिखाया गया है और इस क्रम में जाली नोट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है वैसे हास्य हिंदी सिनेमा में कम ही दिखे गए हैं कागज का इंतजाम रंगों का मिश्रण डिजाइन की बारीकियों और सेफ्टी स्ट्रिप के दृश्य रोमांचक पैदा करते हैं पांचवें एपिसोड में दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्यचकित तबीयत सामने आती है जब द फैमिली मैन वाले चेलम सर स्क्रीन पर आते हैं और यह किरदार कहानी की ओर एक अहम मोड़ देता है आगे के एपिसोड में माइकल मंसूर और सनी के बीच चोर पुलिस का खेल जारी रहता है जब इसका जाली नोट नहीं पकड़ा जाता तो सनी का हौसला और बढ़ जाता है और वो बड़ा खेल खेलने लगता है मंसूर के लिए वो दो हज़ार रुपये का ऐसा जाली नोट बनाता है जिससे फर्जी नोट पहचानने वाली मशीन तक नहीं पकड़ पाती है अब पुलिस को उस आर्टिस्ट की भी तलाश है जिसे मंसूर के लिए बारह हज़ार करोड़ को मार्केट में उतारना आसान नहीं है पुलिस से आगे रहने के लिए मंसूर को पुलिस के बीच एक मुखबिर चाहिए इसके लिए सनी आरबीआई की एक कर्मचारी और माइकल की स्टाक फोर्स की मेंबर राशि खन्ना को फंसाता है और उसके मोबाइल में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए उनके हर कदम को जान लेता है सीरीज का क्लाइमैक्स थोड़ा फिल्मी हो गया है जो मंसूर से सनी के बदले में केंद्रित है आर्थिक अपराधों के लिए सियासत में संजीदगी की कमी को मंत्री पवन गहलोत यानी कि जाकिर हुसैन और सियासी मिली भगत को एक पूर्व एमएलए के किरदार के, के जरिए बखूबी दिखाया गया है फेक करेंसी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्टाक फोर्स की मांग करते माइकल को देखा जा रहा है ये उनकी निजी जरूरत है सनी के किरदार में शायद कपूर के नेचुरल रहने की पूरी कोशिश की गई है उनकी वेशभूषा और हुलिया किरदार की चरित्रिक गुणों को स्पोर्ट करता है सनी आला दर्जे का पेंटर होने के साथ स्ट्रीट स्मार्ट है शातिर अपराधी नहीं इसीलिए सही गलत के द्वंद में रहता है भले ही दोस्त और पार्टनर फिरोज से सामने जाहिर नहीं करता माइकल तेज तर्रार देश के लिए समर्पित और जुनूनी अधिकारी है मगर पर्सनल लाइफ में फेल है उसकी शादी टूटने की कगार पर है बच्चे की कस्टडी के लिए केस चल रहा है माइकल का ये प्लाट घिसा पीटा लगता है रेजना कैसेड्रा ने माइकल की पत्नी रेखा राव का किरदार निभाया है जिसका अफेयर चल रहा है द फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी के किरदार को भी ऐसी पारिवारिक उलझन में जूझता दिखाया गया है हालांकि अपराधी को पकड़ने के लिए हदों को तोड़ने वाले अफसर के किरदार में विजय प्रभावित करते हैं इस किरदार का खाका भी काफ़ी हद तक श्रीकांत तिवारी का लाइंस पर है और आरबीआई अधिकारी और माइकल की टास्क फोर्स की मेंबर मेघा व्यास के किरदार में राशि खन्ना जमती हैं सनी के साथ उनके दृश्य और बातचीत वास्तविकता के करीब लगती हैं दोनों की केमिस्ट्री लुभाती है लेखकों ने दोनों के रोमांटिक ट्रैकों को खींचने की कोशिश नहीं की है और इसे जरूरत के हिसाब से स्पेस दिया गया है मंसूर दलाल के रोल में के के मेनन का लुक काफ़ी फंकी रखा गया है ह्यूमरस और सातिर भी हैं इन सब के बीच फिरोज के किरदार में भुवन अरोड़ा उभर कर सामने आते हैं दरअसल ये ऐसा किरदार है जो हर चीज़ में संतुलन रखने की कोशिश कर रहा है सनी के साथ उसकी बॉन्डिंग और निस्वार्थ दोस्ती सीरीज का हाईलाइट है यह कुछ उसी तरह है जैसे द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी और जेके होते हैं तुफिंस तो फर्जी एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म है जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का साल लेखन भी किया है इस फिल्म में शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भुअर अरोड़ा हैं यह एक निराश कलाकार की कहानी बताती हैं जो नकली पैसा बनाने का फैसला करती हैं तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज और डी ने और इस फिल्म को अभिनत किया है शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है केतन सोढ़ा ने सचिन जिगर और तनीष बख्शी जी ने देश भारत भाषा हिंदी में इस फिल्म को बनाया गया है तो शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन अलीबाग गोवा नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ था सचिन जिगर और तनिष बख्ची ने गीतों की रचना की है जबकि केतन सोढ़ा ने स्कोर प्रदान किया है यह श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है आठ एपिसोड की श्रृंखला दस फरवरी दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी फारजी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्टीमिंग श्रृंखला के रूप में ओफरी फरवरी 2023 के अंत तक कपूर ने पुष्टि की है कि सो दूसरे सीजन के लिए वापस आएगा तो सनी के बारे में जो एक जो अपने दादा की व्यापक प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आय असमानता से निराश हो गए हैं वो नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ है नकली जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे तो संदीप सनी के रूप में शाहिद कपूर हैं एक निराश कलाकार हैं विजय सेतुपति माइकल वेदनायम आईपीएस के रूप में हैं एक विशेष कार्यबल अधिकारी और जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी ए एफ ए आर टी के प्रमुख हैं मंसूर दलाल के रूप में के के मेनन एक आपराधिक मास्टरमाइंड जो जार्डन में स्थित भारत में नकली नेटवर्क का प्रमुख है राशि खन्ना मेघा व्यास के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की एक अधिकारी हैं जो बाद में सी सी ए एफ ए आर टी में शामिल हो गई हैं फिरोज के रूप में भुवन अरोड़ा सनी के सबसे अच्छे दोस्त और साथी हैं यासिर के रूप में चिरंतन गिरी क्रांति पत्रिका के एक कर्मचारी हैं जाकिर हुसैन वित्त मंत्री पवन गहलोत के रूप में हैं सी सी एफ आर टी के सदस्य शेखर गहलोत के रूप में जसवंत सिंह दलाल हैं माधव के रूप में अमोल पालेकर सनी के दादा और क्रांति पत्रिका के मालिक भी हैं तो शायरा के रूप में कुब्रा शैद मंसूर की वरिष्ठ हैं माइकल की पूर्व पत्नी रेखा राव के रूप में रेजिना कैसेड्रा हैं और काव्या थापर अनन्या के रूप में सनी की पूर्व प्रेम का है।, चिरंतन के तलाक के रूप में है लकड़ा वाला के रूप में लोकेश मित्तल हैं जीतू काका मंसूर के चाचा और मैनेजर के रूप में विजय कुमार हैं साकिब अयूब अनीस सनी और फिरोज के दोस्त और एक छोटे गुंडे के रूप में हैं कर्ण मान कमांडर मुर्तजा के रूप में है मंसूर के गुर्गे बिलाल के रूप में नीलेश देवेकर हैं एम जी पब्लिशिंग में रिसेप्शनिस्ट के रूप में प्रिय दर्शनी इंद्रकर हैं सुपर्ण के रूप में अच्छे गुनावत हैं, मंसूर के गुर्गे जमाल के रूप में सौरव चक्रवर्ती हैं, रेखा की तलाक वकील के रूप में गोड बोले हैं और युवा सनी के रूप में अरमान भानुशाली हैं, युवा फिरोज के रूप में कबीर खान हैं। अर्जुन नायर के रूप में विवेक मदान हैं विधायक के सारी भाई दूसी के रूप में गोविंद पांडे हैं व्योम रेखा और माइकल के बेटे रूप के रूप में दिव्यम शुक्ला हैं बांग्लादेशी तस्कर टीटू खिल्लू के रूप में आशुतोष प्रियदर्शी हैं और स्वताला के रूप में अन्ना एडोर हैं तो निम्नलिखित अभिनेता द फैमिली मैन की अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए कैमियो करते हैं चेल्लम के रूप में उदय महेश हैं अजय यादव सब इंस्पेक्टर सिंधे के रूप में हैं अजीत के रूप में विजय विक्रम जी अपने रोल को प्ले कर रहे हैं पुनीत बनर्जी के रूप में बनर्जी हैं, श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज वाजपेयी हैं तो इस फिल्म में सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधो की सहायता करते हैं परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे में पड़ जाता है निराश होकर सनी और फिरोज ने 500 रुपए रुपये के नकली नोट छापने का फैसला किया प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है इस बीच एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी माइकल नेपाल में अपने प्रतिद्वंदी जालसाजी सरगना मंसूर दलाल को पकड़ लेते हैं हालांकि मंसूर बच जाता है और बाद में मंसूर सनी और फिरोज का अपहरण कर लेता है माइकल ने जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी एफ ए आर टी की स्थापना की और वो टास्क फोर्स जिसे वो गहलोत की मदद से चाहता है कि उनका अपनी पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है आर में अपनी नौकरी से असंतुष्ट मेघा माइकल की टीम में शामिल हो जाती है और वो जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है जब वो माइकल को उस कलाकार की जांच करने से रोकती है जिसका नकली नोट उसे मिला था और उनके ऑपरेशन का लगभग भांडाफोड़ फोड़ हो जाता है इस बीच उनके ऑपरेशन का लगभग और सनी और फिरोज को एक राजनेता के लिए नकली पैसे छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे मेघा का नकली नोट स्कैनर धन रक्षक गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया था जिनका मानना था कि मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जिताने में मदद करेगा इस बीच माधव भनोभ्रंश से पीड़ित हो जाते हैं और रक्षक की कांड हुई गिरफ्तारी में मंसूर बौखला गए हैं सनी की कलात्मकता से प्रभावित होकर धन रक्षक उसके नोट का पता नहीं लगा सकते मंसूर और उसका फिरोज का अपहरण कर लेते हैं और शनि को अपने अपराध संगठन के लिए काम करने का प्रस्ताव देते हैं शनि मंसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और जार्डन में उसकी प्रयोगशाला में दो हजार रुपये का नकली नोट तैयार करता है मंसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करता है और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करता है बांग्लादेश में मंसूर के गुर्गे बिलाल को माइकल और टीम ने भी पकड़ लिया है माइकल बिलाल को धमकाता है और उसे मुखबिर बना देता है मुंबई वापस आकर मंसूर ने सनी को सी सी एफ आर टी में घुसपैठ करने के लिए कहा वो मेघा के साथ मीटिंग करते हैं और उसका फोन हैक करने में कामयाब हो जाते हैं सनी मेघा के फोन के जरिए सी सी एफ ए आर टी की योजनाओं की जासूसी करती है माइकल को विलाल और मंसूर के संगठन के एक अन्य गुप्तचर से जानकारी मिलती है दोनों संगठनों के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मंसूर भारत में बारह हज़ार करोड़ के नकली नोटों की तस्करी के लिए ट्रोजन हार्स योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नाव चालक दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकदी की तस्करी करती है सनी और फिरोज अपनी संपत्ति का आनंद लेते हुए और अलीसान फ्लैटों में रहने लगते हैं सनी खुद को मेघा के प्यार में फंसता हुआ पाते हैं और उसके फोन से ट्रैकर हटा देते हैं मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोटों में अपने हस्ताक्षर ऐस छोड़ रहा है मंसूर नकली नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी से शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता है माइकल कलाकार को लुभाने के लिए एक योजना तैयार करता है सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने में सफल हो जाता है पीछा करने के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज ने नकली नकदी सड़कों पर बिखेर दी इससे अप्रसन्न होकर मंसूर आदेश देता है में लगा दी जिसे अतीत होता है उसकी मौत हो गई क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है और उसने मंसूर के कई लोगों को मार डाला और नकदी में आग लगा दी और मंसूर से वादा किया कि वो अधिक नकदी के लिए वापस आएगा इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया मेघा शनि की पहचान उजागर करने के करीब है तो फेंस फर्जी की कल्पना पहली बार 2014 में शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ राज एंड डी के द्वारा एक फिल्म के रूप में की गई थी कृति कृतिसनून साल के अंत तक कलाकारों में शामिल हो गई और 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था जिसमें कपूर अभी भी जुड़े हुए थे जनवरी 2021 में कपूर ने पुष्टि की कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई हैं और सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा है कि वो श्रृंखला पर काम कर रहे हैं जब वह चेन्नई में द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तो राज और डी के विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की और फिल्मांकन शुरू होने के 40 दिन बाद वो प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार राशि खन्ना को दिया जिनके साथ उन्होंने पहले तमिल फिल्मों में काम किया था मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई और फिल्मांकन गोवा अलीबाग नेपाल और जार्डन में भी हुआ था पंकज कुमार ने छायाकार के रूप में कार्य किया है अमेजन द्वारा 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजना की लॉन्च प्रदर्शनी के दौरान श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी कपूर से खन्ना के 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 में रेजना कैसेड्रा जागीर हुसैन भुवन अरोड़ा अमोल पालेकर और कुब्रा सभी को अभिनय करने की घोषणा की गई थी लेखिका सीता मेनन ने कहा है कि राज एंड डीके के शो द फैमिली मैन के साथ क्रॉस ओवर का संकेत देने वाला एक दृश्यपूर्ण नियोजित नहीं था और ये विचार राज को शूटिंग के दिन ही आया था डीके के बाद क्रॉस ओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखलाओं में दुनिया एक दूसरे के समांतर चलती है तो फैंस इस फिल्म में सचिन जिगर की जोड़ी ने राज और डीके के लगातार सहयोगी हैं श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया है उन्होंने दो गाने बनाए हैं पैसा है तो सब फर्जी तनिष बख्ची ने तीसरा गीत आसमान तैयार किया इन तीनों गानों वाला एक साउंड ट्रैक एल्बम 28 जनवरी 2023 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था तो फैंस इस फिल्म में कुल तीन ही गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक पैसा है तो इसे है जिगर ने और सरैया ने नंबर दो सफ फर्जी इसे प्रिया सरैया और सचिन जिगर जी ने गाया है और नंबर तीन आसमान इसे राघव मीटल तनिष बख्ची और अनुमिता नदेशन ने गाया है तो फिर साहिब कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे एक हफ्ते बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को नकली 2000 नोट भेजने के लिए स्विगी के साथ सही और श्रृंखला 10 फरवरी दो अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की थी उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि की कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस आएगी मार्च 2023 में जोरावर सिंह कल्सी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोटों को फेंकते दिखाया गया था तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में तो एन के सविल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजक कहानी के लिए धन्यवाद समान रूप से गति वाली श्रृंखला व्यक्तिगत अध्याय और इसके सभी आठ भागों में अपनी गति बनाए रखती हैं और शाहिद कपूर विजय सेतुपति और के के मेनन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला है कि अतुल्य विजय सेतुपति जीवंत शो हैं जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में हैं न इसके कथानक और द हिंदू के अनुज कुमार ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से प्रतिकूल रूप से करते हुए लिखा है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्भा थी वो यहाँ बार बार दोहराई जाती है और कभी कभी परेशान भी करती है उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की है कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया है लेकिन कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार पाया गया है रेडपी डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के के मेनन के प्रदर्शन की सराहना की है उसने पाया है कि कुछ एपिसोड एड लाइन पंपिंग वाले थे लेकिन अन्य को उबासी प्रेरक पाया है द प्रिंट की निदमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और भुवन अरोड़ा को श्रृंखला का बेक आउट प्रदर्शन पाया है इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी है लेकिन बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ हो जाती है उन्होंने कहा है कि कपूर ने इस बार इसे बाहर कर दिया है विजय सेतुपति की उल्लेखनीय और के के मेनन को शीर्ष श्रेणी कहा जाता है कि नंदनी रामनाथ ने कहा है कि शो की खूबियों में अच्छी तरह से चुने गए कलाकार मजबूत व्यक्तिग्रण क्षण और मीन्स के रूप में बने रहने वाले संवाद शामिल हैं वो विशेष रूप से, से पंकज कुमार की सिनेमाटीग्राफी से प्रभावित थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए लगातार कई टेक शामिल हैं और एक शानदार और प्रफुल्लित करने वाला मुंबई के ट्रैफिक जाम की स्थिति में पीछा करने वाला सीक्वेंस भी शामिल है द क्विंट के प्रत्यक्ष मिश्रा ने इसे धूर्त मनोरंजक थिल्लर कहा है और लालच प्रसिद्धि और शक्ति की मनमोहक प्रकृति की नकल करते हुए लगभग मंत्र कर देने वाला अनुभव बनाने के लिए कैमरा वर्कर और संपादन साक्षात काम करते हैं सौम्य राजेंद्र को फर्जी और द फैमिली मैन के बीच समानताएं मिली हैं उन्होंने इसे ज्यादातर मनोरंजक अपराध नाटक करार दिया है और कपूर को एंट्री हीरो के रूप में पसंद करने योग्य भी पाया है न्यूज 18 की देसिया शर्मा ने फर्जी को अति योग्य पाया लेकिन द फैमिली मैन जितना महान नहीं उन्होंने प्रदर्शन छायांकन और संगीत को श्रृंखला के मुख्य आकर्षण के रूप में चुना द टाइम ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने कहा है कि फर्जी एक ताज़ा और बेहद मनोरंजक घोटालेबाज गाथा है जिसके फायदे इसके नुकसान से कहीं अधिक हैं कास्टलिंग फार्म आर मैक्स मीडिया के अनुसार अनुमानित सैंतीस मिलियन दर्शक के साथ फर्जी अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है जिसने पहले रुद्रदा आप डार्कनेस 2022 द्वारा निर्धारित के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं के लिए राज एंड डी की वेब सीरीज फर्जी ही ऐसी ही खबरों से निकली एक कहानी है जिसमें देश में जाली नोटों के जाल इस काले कारोबार को लेकर राजनेताओं की सोच और और मिली भगत आर्थिक असमानता ईमानदार अफसरों की जिद और जुनून को दिखाया गया है साथ ही साथ सीरीज जाली नोटों के कारोबार की कड़ियों को बारीकी से दिखाती है तो इस सीरीज में शाहिद कपूर ने ओ टी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है सीरीज की पूरी कल्पना उन्हीं के किरदार सनी यानी अस... के किरदार सनी यानी आर्टिस्ट को केंद्र में रखकर की गई है जाली नोटों के इस कारोबार का वो एक मामूली मोहरा होते हैं मगर अपने दुर्लभ हुनर के चलते इस कारोबार की धुरी बन जाते हैं यह सीरीज साउथ के लोकप्रिय कलाकार विजय सेतुपति का भी डिजिटल डेब्यू है वहीं राशि खन्ना यह दूसरी हिंदी सीरीज है ओ टी टी स्पेस में क्राइम पर आधारित वेब सीरीज और सोच की कमी नहीं है मगर ज़्यादातर गैंगस्टर बाहुबली आतंकवाद जासूसी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के आसपास ही घूमती नजर आ रही है ऐसे में जाली नोटों के अधिक अपराध पर बनी फर्जी ओ टी टी स्पेस के कंटेंट में एक नयापन लेकर आती है फर्जी तेज़ रफ्तार थ्रिलर है जिसमें बोझिल करने वाले लम्हे कम ही हैं कहानी के कमजोर हिस्सों के स्क्रीन प्ले अभिनय और संवादों के हुमर ने संभाला है सनी यानी कि शाहिद कपूर एक पेंटर और स्केच आर्टिस्ट हैं बेहद प्रभाशाली और बारीकियों को देखने की जो नज़र उसे मिली है वो दुर्लभ है अपना नाना माधव यानी कि आमोल पालकर के साथ उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं नाना और बचपन के दोस्त फिरोज़ यानी कि भुवन अरोड़ा के अलावा उसका कोई नहीं है सनी का पिता चोर था जो बचपन में उसे एक ट्रेन में छोड़कर चला जाता है मासूम सनी अलग अलग स्टेशन पर पेंटिंग बनाता रहता है इस उम्मीद में कि कहीं उसके पिता देख लें और उसे ले जाएं मगर पिता की मौत हो चुकी होती है एक स्टेशन पर उसे नाना मिल जाते हैं जो फिरोज को भी साथ ले आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके नाना समाज में क्रांति लाना चाहते हैं इसके लिए कर्ज लेकर भी क्रांति मगनीज निकाल रहे हैं बार बार मोहल के बाद भी कर्ज चुका नहीं पाते हैं आर्थिक तंगी के कारण प्रेस बंद करने की नौबत आ जाती है नाना की इस हालत को देखते हुए सनी अपने हुनर का इस्तेमाल करके जाली नोटों के धंधे में उतर जाता है पहले ज़रूरत और मजबूरी में शुरू हुए इस खेल का चस्का सनी को लगा और अपनी आर्थिक परेशानियों से निजात पाने का सहारा मिल जाता है लालच सही गलत की सोच को खो जाता है यानी कि उसे खा जाता है सनी की शोहरत जाली नोटों की कारोबार की एक बड़ी मछली मंसूर दलाल यानी कि के के मेहनत तक पहुंच जाती है सनी उसके साथ काम करने लगता है यह आर्टिस्ट ऐसा जाली नोट बनाता है जिसे रक्षक मशीन भी नहीं पकड़ पाती है दोनों मिलकर बारह हज़ार करोड़ की नकली करेंसी को बाजार में उतारना चाहते हैं ये मंसूर की जिंदगी का सबसे बड़ा दांव है जो उसने न्यूकमर आर्टिस्ट पर लगा दिया है मगर माइकल वेदयानम यानी कि विजय सेतुपति के नेतृत्व में नवगठित सरकारी एजेंसी सी सी एफ ए आर टी सनी और मंसूर के तहत एक प्लान को पलीता लगाने के लिए तैयार हैं तो लगभग एक एक घंटे के आठ एपिसोड में फैली कहानी का स्क्रीन प्ले निर्देशक जोड़ी राज निधि कृष्ण डी के सीता और मेनन और सुमन कुमार ने लिखा है कि हिंदी संवाद हुसैन दलार और अतिरिक्त संवाद राघव दत्त ने लिखे हैं साधारण चोर पुलिस का कहानी को जाली नोटों के धंधे की पृष्ठभूमि पर ह्यूमन और थिल्लर के साथ चुस्त स्क्रीन प्ले में का श्रेय लेखकों जाता है हास्य और संयोजन इसे दर्शनीय बनाते हैं राज एंड डी के और उनके टीम के लेखन में अंतर्निहित ह्यूमर सबसे बड़ी ताकत होती है जो गोवा गोन से लेकर द फैमिली मैन सीरीज तक जारी है फर्जी के स्क्रीन प्ले में सनी के नरेशन को चुटकले अंदाज में इस्तेमाल किया गया है जो अपनी कहानी सुना रहा है पहले एपिसोड में भी सभी प्रमुख किरदारों का परिचय हो जाता है और फिर आगे के एपिसोड में कहानी की रवानगी के अनुसार वो आते जाते रहते हैं फर्जी का स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से सनी यानी आर्टिस्ट और माइकल के टैक्स के साथ लेकर चलता है एक तरह सनी अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करके नकली नोटों के धंधों में उतर रहा है तो दूसरी ओर माइकल जाली नोटों के कारोबारी मंसूर दलाल के पीछे पड़ा है माइकल की हिट लिस्ट में सनी कहीं नहीं है उस सारी कवायद मंसूर पकड़ने के लिए ही शुरू के चार एपिसोड में अपनी जरूरत के लिए सनी को जाली नोटों के धंधे में उतारते दिखाया गया है और इस क्रम में जाली नोट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है वैसे हास्य हिंदी सिनेमा में कम ही दिखे गए हैं कागज का इंतजाम रंगों का मिश्रण डिजाइन की बारीकियों और सेफ्टी स्ट्रिप के दृश्य रोमांचक पैदा करते हैं पाँचवें एपिसोड में दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्यचकित तबीयत सामने आती है जब द फैमिली मैन वाले चैलम सर स्क्रीन पर आते हैं और यह किरदार कहानी की ओर एक अहम मोड़ देता है आगे के एपिसोड में माइकल मंसूर और सनी के बीच चोर पुलिस का खेल जारी रहता है जब इसका जाली नोट नहीं पकड़ा जाता तो सनी का हौसला और बढ़ जाता है और वो बड़ा खेल खेलने लगता है मंसूर के लिए वो दो हज़ार रुपये का ऐसा जाली नोट बनाता है जिससे फर्जी नोट पहचानने वाली मशीन तक नहीं पकड़ पाती है अब पुलिस को उस आर्टिस्ट की भी तलाश है जिसे मंसूर के लिए बारह हजार करोड़ को मार्केट में उतारना आसान नहीं है पुलिस से आगे रहने के लिए मंसूर को पुलिस के बीच एक मुखबिर चाहिए इसके लिए सनी आरबीआई की एक कर्मचारी और माइकल की स्टाक फोर्स की मेंबर राशि खन्ना को फंसाता है और उसके मोबाइल में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए उनके हर कदम को जान लेता है सीरीज का क्लाइमैक्स थोड़ा फिल्मी हो गया है जो मंसूर से सनी के बदले में केंद्रित है आर्थिक अपराधों के लिए सियासत में संजीदगी की कमी को मंत्री पवन गहलोत यानी कि जाकिर हुसैन और सियासी मिली भगत को एक पूर्व एमएलए के किरदार के जरिए बखूबी दिखाया गया है फेक करेंसी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्टाक फोर्स की मांग करते माइकल को देखा जा रहा है ये उनकी निजी जरूरत है सनी के किरदार में शायद कपूर के नेचुरल रहने की पूरी कोशिश की गई है उनकी वेशभूषा और हुलिया किरदार के चरित्रिक गुणों को स्पोर्ट करता है सनी आला दर्जे का पेंटर होने के साथ स्ट्रीट स्मार्ट है शातिर अपराधी नहीं इसीलिए सही गलत के द्वंद में रहता है भले ही दोस्त और पार्टनर फिरोज से सामने जाहिर नहीं करता माइकल तेज तर्रार देश के लिए समर्पित और जुनूनी अधिकारी है मगर पर्सनल लाइफ में फेल है उसकी शादी टूटने की कगार पर है बच्चे की कस्टडी के लिए केस चल रहा है माइकल का ये प्लाट घिसा पीटा लगता है रेजना कैसेड्रा ने माइकल की पत्नी रेखा राव का किरदार निभाया है जिसका अफेयर चल रहा है द फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी के किरदार को भी ऐसी पारिवारिक उलझन में जूझता दिखाया गया है हालांकि अपराधी को पकड़ने के लिए हदों को तोड़ने वाले अफसर के किरदार में विजय प्रभावित करते हैं इस किरदार का खाका भी काफ़ी हद तक श्रीकांत तिवारी का लाइन्स पर है और आरबीआई अधिकारी और माइकल की टास्क फोर्स की मेंबर मेगा व्यास के किरदार में राशि खन्ना जमती हैं सनी के साथ उनके दृश्य और बातचीत वास्तविकता के करीब लगती हैं दोनों की केमिस्ट्री लुभाती है लेखकों ने दोनों के रोमांटिक ट्रैकों को खींचने की कोशिश नहीं की है और इसे जरूरत के हिसाब से स्पेस दिया गया है मंसूर दलाल के रोल में के के मेनन का लुक काफ़ी फंकी रखा गया है ह्यूमरस और सातिर भी हैं इन सब के बीच फिरोज के किरदार में भुवन अरोड़ा उभर कर सामने आते हैं दरअसल ये ऐसा किरदार है जो हर चीज़ में संतुलन रखने की कोशिश कर रहा है सनी के साथ उसकी वांडिंग और निस्वार्थ दोस्ती सीरीज का हाईलाइट है यह कुछ उसी तरह है जैसे द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी और जेके होते हैं तोफिन्स फर्जी एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो राज और डी के द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म है जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का साल लेखन भी किया है इस फिल्म में शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भूवर अरोड़ा हैं यह एक निराश कलाकार की कहानी बताती हैं जो नकली पैसा बनाने का फैसला करती हैं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज और डी के और इसीत किया है शाहिद कपूर विजय सेतुपति मेनन राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है केतन सोढ़ा ने सचिन जिगर और तनिष बख्शी जी ने देश भारत भाषा हिंदी में इस फिल्म को बनाया गया है तो शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन अलीबाग गोवा नेपाल और जॉर्डन में भी हुआ था सचिन जिगर और तनिष बख्ची ने गीतों की रचना की है जबकि केतन सोढ़ा ने स्कोर प्रदान किया है यह श्रृंखला राज और डी की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है आठ एपिसोड की श्रृंखला दस फरवरी दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी फारजी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्टीमिंग श्रृंखला के रूप में ओवरी फरवरी 2023 के अंत तक कपूर ने पुष्टि की है कि सो दूसरे सीजन के लिए वापस आएगा तो फ्रेंड्स अर्जी सनी के बारे में जो एक जो अपने दादा की व्यापक प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आय असमानता से निराश हो गए हैं वो नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ है नकली जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे तो संदीप सनी के रूप में शाहिद कपूर हैं एक निराश कलाकार हैं विजय सेतुपति माइकल वेदनायागम आईपीएस के रूप में है एक विशेष कार्यबल अधिकारी और जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी ए एफ ए आर टी के प्रमुख हैं मंसूर दलाल के रूप में के के मेनन एक आपराधिक मास्टरमाइंड जो जार्डन में स्थित भारत में नकली नेटवर्क का प्रमुख है राशि खन्ना मेघा व्यास के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की एक अधिकारी जो बाद में सी सी एफ ए आर टी में शामिल हो गई हैं फिरोज के रूप में भुवन अरोड़ा सनी के सबसे अच्छे दोस्त और साथी हैं यासिर के रूप में चिरंतन गिरी क्रांति पत्रिका के एक कर्मचारी हैं जाकिर हुसैन वित्त मंत्री पवन गहलोत के रूप में हैं सी सी एफ आर टी के सदस्य शेखर गहलोत के रूप में जसवंत सिंह दलाल हैं माधव के रूप में अमोल पालेकर सनी के दादा और क्रांति पत्रिका के मालिक भी हैं तो शायरा के रूप में कुब्रा सैद मंसूर की वरिष्ठ हैं माइकल की पूर्व पत्नी रेखा राव के रूप में रेजिना कैसेड्रा हैं और काव्या थापर अनन्या के रूप में सनी की पूर्व प्रेमिका हैं चिरंतन त्रिपाठी माइकल के तलाक वकील के रूप में हैं लकड़ावाला के रूप में लोकेश मित्तल हैं जीतू काका मंसूर के चाचा और मैनेजर के रूप में विजय कुमार हैं साकिब अयूब अनी सनी और फिरोज के दोस्त और एक छोटे गुंडे के रूप में हैं मान कमांडर मुर्तजा के रूप में हैं। मंसूर के गुर्गे बिलाल के रूप में नीलेश देवेकर हैं एम के जी पब्लिशिंग में रिसेप्शनिस्ट के रूप में दर्शनी इंदलकर हैं सुपर्ण के रूप में अच्छे गुनावत हैं मंसूर के गुर्गे जमाल के रूप में सौरभ चक्रवर्ती हैं रेखा की तलाक वकील के रूप में मडमई बोले हैं और युवा सनी के रूप में अरमान भानुशाली हैं युवा फिरोज के रूप में कबीर खान अर्जुन नायर के रूप में विवेक मदान हैं विधायक के सारी भाई दूसरी के रूप में गोविंद पांडे हैं व्योम रेखा और माइकल के बेटे के रूप में दिव्यम शुक्ला हैं बांग्लादेशी तस्कर टीटू खिल्लू के रूप में आशुतोष प्रियदर्शी हैं और स्वेताला के रूप में अन्ना एडोर हैं तो निम्नलिखित अभिनेता द फैमिली मैन की अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए कैमियो करते हैं चेल्लम के रूप में उदय महेश हैं अजय यादव सब इंस्पेक्टर सिंधे के रूप में हैं अजीत के रूप में विजय विक्रम जी अपने रोल को प्ले कर रहे हैं पुनीत बनर्जी के रूप में अरिष्टो रुद्रनी बनर्जी हैं श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज वाजपेयी हैं तो इस फिल्म में सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करते हैं परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे में पड़ जाता है निराश होकर सनी और फिरोज ने 500 रुपए रुपये के नकली नोट छापने का फैसला किया प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है इस बीच एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी माइकल नेपाल में अपने प्रतिद्वंदी जालसाजी सरगना मंसूर दलाल को पकड़ लेते हैं हालांकि मंसूर बच जाता है और बाद में मंसूर सनी और फिरोज का अपहरण कर लेता है माइकल ने जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी एफ ए आर टी की स्थापना की और वो टास्क फोर्स जिसे वो गहलोत की मदद से चाहता है कि उनका अपनी पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है आरबीआई में अपनी नौकरी से असंतुष्ट मेघा माइकल की टीम में शामिल हो जाती है और वो जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है जब वो माइकल को उस कलाकार की जांच करने से रोकती है जिसका नकली नोट उसे मिला था और उनके ऑपरेशन का लगभग भांडा फोड़ हो जाता है इस बीच उनके ऑपरेशन का लगभग और सनी और फिरोज को एक राजनेता के लिए नकली पैसे छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में बीस करोड़ की खेप पहुंचाते हैं रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे मेघा का नकली नोट स्कैनर धन रक्षक गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया था जिनका मानना था कि मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जिताने में मदद करेगा इस बीच माधव भनोभ्रंश से पीड़ित हो जाते हैं और रक्षक की कारण हुई गिरफ्तारी में मंसूर बौखला गए हैं सनी की कलात्मकता से प्रभावित होकर रक्षक उसके नोट का पता नहीं लगा सकते मंसूर और उसका फिरोज का अपहरण कर लेते हैं और शनि को अपने अपराध संगठन के लिए काम करने का प्रस्ताव देते हैं शनि मंसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और जार्डन में उसके प्रयोगशाला में दो हजार का नकली नोट तैयार करता है मंसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करता है और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करता है बांग्लादेश में मंसूर के गुरगे बिलाल को माइकल और टीम ने भी पकड़ लिया है माइकल बिलाल को धमकाता है और उसे मुखफिर बना देता है मुंबई वापस आकर मंसूर ने सनी को सी सी एफ आर टी में घुसपैठ करने के लिए कहा वो मेघा के साथ मीटिंग करते हैं और उसका फ़ोन हैक करने में कामयाब हो जाते हैं सनी मेघा के फ़ोन के जरिए सी सी एफ ए आर टी की योजनाओं की जासूसी करती है माइकल को विलाल और मंसूर के संगठन के एक अन्य गुप्तचर से जानकारी मिलती है दोनों संगठनों के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मंसूर भारत में बारह हज़ार करोड़ के नकली नोटों की तस्करी के लिए ट्रोजन हार्स योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नाव चालक दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकदी की तस्करी करती है सनी और फिरोज अपनी संपत्ति का आनंद लेते हुए और अलीसान फ्लैटों में रहने लगते हैं सनी खुद को मेघा के प्यार में फंसता हुआ पाते हैं और उसके फोन से ट्रैकर हटा देते हैं मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोटों में अपने हस्ताक्षर ऐस छोड़ रहा है मंसूर नकली नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी से शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता है माइकल कलाकार को लुभाने के लिए एक योजना तैयार करता है सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने में सफल हो जाता है पीछा करने के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज ने नकली नकदी सड़कों पर बिखेर दी इससे अप्रसन्न होकर मंसूर उन्हें मारने का आदेश देता है लेकिन सभी भागने में अपने दोस्तों की मदद लेते हैं मंसूर ने माधव की प्रिंटिंग प्रिंस में लगा दी जिसे अतीत होता है उसकी मौत हो गई क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है और उसने मंसूर के कई लोगों को मार डाला और नकदी में आग लगा दी और मंसूर से वादा किया कि वो अधिक नगदी के लिए वापस आएगा इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया मेघा शनि की पहचान उजागर करने के करीब है तो फेंस फर्जी की कल्पना पहली बार 2014 में शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ राज एंड डी के द्वारा एक फिल्म के रूप में की गई थी सनोन साल के अंत तक कलाकारों में शामिल हो गई और 2019 तक इसे एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था जिसमें कपूर अभी भी जुड़े हुए थे जनवरी 2021 में कपूर ने पुष्टि की कि राशि खन्ना इस परियोजना में शामिल हो गई हैं और सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा है कि वो श्रृंखला पर काम कर रहे हैं जब वे चेन्नई में द फैमिली मैन की शूटिंग कर रहे थे तो राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक भूमिका की पेशकश की और फिल्मांकन शुरू होने के चालीस दिन बाद वो प्रोडक्शन में शामिल हो गए थे सेट पर उन्हें सहज बनाने का श्रेय उन्होंने अपनी सहकलाकार राशि खन्ना को दिया जिनके साथ उन्होंने पहले ही। तमिल फिल्मों में काम किया था मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में फिल्म सिटी मुंबई में शुरू हुई और फिल्मांकन गोवा अलीबाग नेपाल और जार्डन में भी हुआ था पंकज कुमार ने छायाकार के रूप में कार्य किया है अमेजन द्वारा 28 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा स्वीकृत 40 भारतीय परियोजना की लॉन्च प्रदर्शनी के दौरान श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई थी कपूर से खन्ना के 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 मेहन रेजना कैसेड्रा जार हुसैन भुवन अरोड़ा अमोल पालेकर और कुब्रा कुब्राह सभी को अभिनय करने की घोषणा की गई थी लेखिका सीता मेनन ने कहा है कि राज एंड डीके के शो द फैमिली मैन के साथ क्रॉसओवर का संकेत देने वाला एक दृश्यपूर्ण नियोजित नहीं था और यह विचार राज को शूटिंग के दिन ही आया था डीके के बाद क्रॉसओवर की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों श्रृंखलाओं में दुनिया एक दूसरे के समांतर चलती है तो फ्रेंड्स इस फिल्म में सचिन जिगर की जोड़ी ने राज और डीके के लगातार सहयोगी हैं श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया है उन्होंने दो गाने बनाए हैं पैसा है तो सब फर्जी तनिष बख्शी ने तीसरा गीत आसमान तैयार किया इन तीनों गानों वाला एक साउंड ट्रैक एल्बम 28 जनवरी 2023 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था तो इस फिल्म में कुल तीन ही गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक पैसा है तो इसे है जिगर ने और सरैया ने नंबर दो सफ फर्जी इसे प्रिया सरैया और सचिन जिगर जी ने गाया है और नंबर तीन आसमान इसे राघव मीटल तनिष बख्ची और अनुमिता नदेशन ने गाया है तो फिर साहिब कपूर और विजय सेतुपति की विशेषता वाले फर्जी के दो फर्स्ट लुक पोस्टर 5 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे एक हफ्ते बाद 13 जनवरी को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था शो को बढ़ावा देने के लिए प्राइम वीडियो ने सेवा से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को नकली 2000 नोट भेजने के लिए स्विगी के साथ सहयोग और श्रृंखला 10 फरवरी दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की थी उस महीने के अंत में कपूर ने पुष्टि की कि श्रृंखला दूसरे सीजन के लिए वापस आएगी मार्च 2023 में जोरावर सिंह कलसी नाम के एक यूट्यूबर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को श्रृंखला के एक दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्होंने एक तेज रफ्तार कार से नकली नोटों को फेंकते दिखाया गया था तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में तो एनडीटीवी के सविल चटर्जी ने लिखा है कि एक मनोरंजक कहानी के लिए धन्यवाद समान रूप से गति वाली श्रृंखला व्यक्तिगत अध्यायों और इसके सभी आठ भागों में अपनी गति बनाए रखती हैं और शाहिद कपूर विजय सेतुपति और के के मेनन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला है कि अतुल्य विजय सेतुपति जीवंत शो हैं जो अपने स्टार शाहिद कपूर की सेवा में हैं न इसके कथानक और द हिंदू के अनुज कुमार ने भी इसकी तुलना द फैमिली मैन से प्रतिकूल रूप से करते हुए लिखा है कि द फैमिली मैन में जो सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी निर्भा थी वो यहाँ बार बार दोहराई जाती है और कभी कभी परेशान भी करती है उन्होंने इस बात पर भी नाराज़गी व्यक्त की है कि कैसे लेखकों ने नकली मुद्रा के कारोबार को समझाने में घंटों बिताए हैं लेकिन कहानी के नट और बोल्ट को ढीला छोड़ दिया है लेकिन कपूर और सेतुपति के प्रदर्शन को शानदार पाया गया है रेडपी डॉट कॉम की दीपा गहलोत ने विजय सेतुपति और के के मेनन के प्रदर्शन की सराहना की है उसने पाया है कि कुछ एपिसोड एड लाइन पंपिंग वाले थे लेकिन अन्य को उबासी प्रेरक पाया है द प्रिंट की निदमा तनेजा ने इसे रोचक अपराध थ्रिलर कहा और भुवन अरोड़ा को श्रृंखला का बेक आउट प्रदर्शन पाया है इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने लिखा है कि फर्जी एक दिलचस्प घड़ी है लेकिन बहुत अधिक विवरण के साथ ये कुछ हिस्सों में थकाऊ हो जाती है उन्होंने कहा है कि कपूर ने इस बार इसे बाहर कर दिया है विजय सेतुपति की उल्लेखनीय और के के मेनन को शीर्ष श्रेणी कहा जाता है कि नंदनी रामनाथ ने कहा है कि शो की खूबियों में अच्छी तरह से चुने गए कलाकार मजबूत व्यक्तिग्रण क्षण और मीन्स के रूप में बने रहने वाले संवाद शामिल हैं वो विशेष रूप से, से पंकज कुमार की सिनेमाटीग्राफी से प्रभावित थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसमें गति पैदा करने के लिए लगातार कई टेक शामिल हैं और एक शानदार और प्रफुल्लित करने वाला मुंबई के ट्रैफिक जाम की स्थिति में पीछा करने वाला सीक्वेंस भी शामिल है क्विंट के प्रत्यक्ष ने इसे धूर्त मनोरंजक थिल्लर कहा है और लालच प्रसिद्धि और शक्ति की मनमोहक प्रकृति की नकल करते हुए लगभग मंत्र कर देने वाला अनुभव बनाने के लिए कैमरा वर्कर और संपादन साक्षात काम करते हैं सौम्य राजेंद्र को फर्जी और द फैमिली मैन के बीच समानताएं मिली हैं उन्होंने इसे ज़्यादातर मनोरंजक अपराध नाटक करार दिया है और कपूर को एंट्री हीरो के रूप में पसंद करने योग्य भी पाया है न्यूज 18 की देशिया शर्मा ने फर्जी को अति योग्य पाया लेकिन द फैमिली मैन जी संगीत को श्रृंखला के मुख्य आकर्षण के रूप में चुना द टाइम ऑफ इंडिया के रौनक कोटेजा ने कहा है कि फर्जी एक ताज़ा और बेहद मनोरंजक घोटाले गाथा है जिसके फायदे इसके नुकसान से कहीं अधिक हैं कास्टलिंग फार्म आर मैक्स मीडिया के अनुसार अनुमानित सैंतीस मिलियन दर्शक के साथ फर्जी अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है जिसने पहले रुद्रदा द ऑफ डार्कनेस दो द्वारा निर्धारित के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है असमानता और ईमानदार अफसरों की जिद और जुनून को दिखाया गया है साथ ही साथ सीरीज जाली नोटों के कारोबार की कड़ियों को बारीकी से दिखाती है तो इस सीरीज़ में शाहिद कपूर ने ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है सीरीज की पूरी कल्पना उन्हीं के किरदार सनी यानी असिस्टेंट उन्हीं के किरदार सनी यानी आर्टिस्ट को केंद्र में रखकर की गई है जाली नोटों के इस कारोबार का वो एक मामूली मोहरा होते हैं मगर अपने दुर्लभ हुनर के चलते इस कारोबार की धुरी बन जाते हैं यह सीरीज साउथ के लोकप्रिय कलाकार विजय सेतुपति का भी डिजिटल डेब्यू है वहीं राशि खन्ना की यह दूसरी हिंदी सीरीज है ओ टी टी स्पेस में क्राइम पर आधारित वेब सीरीज और सोच की कमी नहीं है मगर ज़्यादातर गैंगस्टर बाहुबली आतंकवाद जासूसी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के आसपास ही घूमती नजर आ रही है ऐसे में जाली नोटों के अधिक अपराध पर बनी फर्जी ओ टी टी स्पेस के कंटेंट में एक नयापन लेकर आती है फर्जी तेज रफ्तार थ्रिलर है जिसमें बोझिल करने वाले लम्हे कम ही हैं कहानी के कमजोर हिस्सों के स्क्रीन प्ले अभिनय और संवादों के हुमर ने संभाला है सनी यानी कि शाहिद कपूर एक पेंटर और स्केच आर्टिस्ट हैं बेहद प्रभताशाली और बारीकियों को देखने की जो नज़र उसे मिली है वो दुर्लभ है अपना नाना मादा यानी कि अमोल पालिकर के साथ उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं नाना और बचपन के दोस्त फिरोज़ यानी कि भुवन अरोड़ा के अलावा उसका कोई नहीं है सनी का पिता चोर था जो बचपन में उसे एक ट्रेन में छोड़कर चला जाता है मासूम सनी अलग अलग स्टेशन पर पेंटिंग बनाता रहता है इस उम्मीद में कि कहीं उसके पिता देख लें और उसे ले जाएं मगर पिता की मौत हो चुकी होती है एक स्टेशन पर उसे नाना मिल जाते हैं जो फिरोज को भी साथ ले आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके नाना समाज में क्रांति लाना चाहते हैं इसके लिए कर्ज लेकर भी क्रांति मगनीज निकाल रहे हैं बार बार मोहल्ले के बाद भी कर्ज चुका नहीं पाते हैं आर्थिक तंगी के कारण प्रेस बंद करने की नौबत आ जाती है नाना की इस हालत को देखते हुए सनी अपने हुनर का इस्तेमाल करके जाली नोटों के धंधे में उतर जाता है पहले जरूरत और मजबूरी में शुरू हुए इस खेल का चस्का सनी को लगा और अपनी आर्थिक परेशानियों से निजात पाने का सहारा मिल जाता है लालच सही गलत की सोच को खो जाता है यानी कि उसे खा जाता है सनी की शोहरत जाली नोटों की कारोबार की एक बड़ी मछली मंसूर दलाल यानी कि के के मैनत तक पहुंच जाती है सनी उसके साथ काम करने लगता है यह आर्टिस्ट ऐसा जाली नोट बनाता है जिसे रक्षक मशीन भी नहीं पकड़ पाती है दोनों मिलकर बारह हज़ार करोड़ की नकली करेंसी को बाजार में उतारना चाहते हैं ये मंसूर की जिंदगी का सबसे बड़ा दांव है जो उसने न्यूकमर आर्टिस्ट पर लगा दिया है मगर माइकल वेदयानम यानी कि विजय सेतुपति के नेतृत्व में नवगठित सरकारी एजेंसी सी सी एफ ए आर टी सनी और मंसूर के तहत एक प्लान को पलीता लगाने के लिए तैयार हैं तो लगभग एक एक घंटे के आठ एपिसोड में फैली कहानी का स्क्रीन प्ले निर्देशक जोड़ी राज निधि कृष्ण डी के सीता और मेनन और सुमन कुमार ने लिखा है कि हिंदी संवाद हुसैन दलार और अतिरिक्त संवाद राघव दत्त ने लिखे हैं साधारण चोर पुलिस का कहानी को जाली नोटों के धंधे की पृष्ठभूमि पर ह्यूमन और थ्रिलर के साथ चुस्त स्क्रीन प्ले में ढालने का श्रेय लेखकों जाता है हास्य और संयोजन इसे दर्शनीय बनाते हैं राज एंड डी के और उनके टीम के लेखन में अंतर्निहित ह्यूमर सबसे बड़ी ताकत होती है जो गोवा गोन से लेकर द फैमिली मैन सीरीज तक जारी है फर्जी के स्क्रीन प्ले में सनी के नरेशन को चुटकले अंदाज में इस्तेमाल किया गया है जो अपनी कहानी सुना रहा है पहले एपिसोड में भी सभी प्रमुख किरदारों का परिचय हो जाता है और फिर आगे के एपिसोड में कहानी की रवानगी के अनुसार वो आते जाते रहते हैं फर्जी का स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से सनी यानी आर्टिस्ट और माइकल के टैक्स के साथ लेकर चलता है एक तरह सनी अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करके नकली नोटों के धंधों में उतर रहा है तो दूसरी ओर माइकल जाली नोटों के कारोबारी मंसूर दलाल के पीछे पड़ा है माइकल की हिट लिस्ट में सनी कहीं नहीं है उस सारी कवायद मंसूर पकड़ने के लिए ही शुरू के चार एपिसोड में अपनी जरूरत के लिए सनी को जाली नोटों के धंधे में उतारते दिखाया गया है और इस क्रम में जाली नोट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है वैसे हास्य हिंदी सिनेमा में कम ही दिखे गए हैं कागज का इंतजाम रंगों का मिश्रण डिजाइन दिज, की बारीकियों और सेफ्टी स्ट्रिप के दृश्य रोमांचक पैदा करते हैं पाँचवें एपिसोड में दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्यचकित तबीयत सामने आती है जब द फैमिली मैन वाले चैलम सर स्क्रीन पर आते हैं और यह किरदार कहानी की ओर एक अहम मोड़ देता है आगे के एपिसोड में माइकल मंसूर और सनी के बीच चोर पुलिस का खेल जारी रहता है जब इसका जाली नोट नहीं पकड़ा जाता तो सनी का हौसला और बढ़ जाता है और वो बड़ा खेल खेलने लगता है मंसूर के लिए वो दो हज़ार रुपये का ऐसा जाली नोट बनाता है जिससे फर्जी नोट पहचानने वाली मशीन तक नहीं पकड़ पाती है अब पुलिस को उस आर्टिस्ट की भी तलाश है जिसे मंसूर के लिए बारह हज़ार करोड़ को मार्केट में उतारना आसान नहीं है पुलिस से आगे रहने के लिए मंसूर को पुलिस के बीच एक मुखबिर चाहिए इसके लिए सनी आरबीआई की एक कर्मचारी और माइकल की स्टाक फोर्स की मेंबर राशि खन्ना को फंसाता है और उसके मोबाइल में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए उनके हर कदम को जान लेता है सीरीज का क्लाइमैक्स थोड़ा फिल्मी हो गया है जो मंसूर से सनी के बदले में केंद्रित है आर्थिक अपराधों के लिए सियासत में संजीदगी की कमी को मंत्री पवन गहलोत यानी कि जाकिर हुसैन और सियासी मिली भगत को एक पूर्व एमएलए के किरदार के जरिए बखूबी दिखाया गया है फेक करेंसी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्टाक फोर्स की मांग करते माइकल को देखा जा रहा है ये उनकी निजी जरूरत है सनी के किरदार में शायद कपूर के नेचुरल रहने की पूरी कोशिश की गई है उनकी वेशभूषा और हुलिया किरदार की चरित्रिक गुणों को स्पोर्ट करता है सनी आला दर्जे का पेंटर होने के साथ स्ट्रीट स्मार्ट है शातिर अपराधी नहीं इसीलिए सही गलत के द्वंद में रहता है भले ही दोस्त और पार्टनर फिरोज से सामने जाहिर नहीं करता माइकल तेज तर्रार देश के लिए समर्पित और जुनूनी अधिकारी है मगर पर्सनल लाइफ में फेल है उसकी शादी टूटने की कगार पर है बच्चे की कस्टडी के लिए केस चल रहा है माइकल का ये प्लाट घिसा पीटा लगता है रेजना कैसेड्रा ने माइकल की पत्नी रेखा राव का किरदार निभाया है जिसका अफेयर चल रहा है द फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी के किरदार को भी ऐसी पारिवारिक उलझन में जूझता दिखाया गया है हालांकि अपराधी को पकड़ने के लिए हदों को तोड़ने वाले अफसर के किरदार में विजय प्रभावित करते हैं इस किरदार का खाका भी काफ़ी हद तक श्रीकांत तिवारी का लाइन्स पर है और आरबीआई अधिकारी और माइकल की टास्क फोर्स की मेंबर मेघा व्यास के किरदार में राशि खन्ना जमती हैं सनी के साथ उनके दृश्य और बातचीत वास्तविकता के करीब लगती हैं दोनों की केमिस्ट्री लुभाती है लेखकों ने दोनों के रोमांटिक ट्रैकों को खींचने की कोशिश नहीं की है और इसे जरूरत के हिसाब से स्पेस दिया गया है मंसूर दलाल के रोल में के के मेनन का लुक काफ़ी फंकी रखा गया है ह्यूमरस और सातिर भी हैं इन सब के बीच फिरोज के किरदार में भुवन अरोड़ा उभर कर सामने आते हैं दरअसल ये ऐसा किरदार है जो हर चीज़ में संतुलन रखने की कोशिश कर रहा है सनी के साथ उसकी बॉन्डिंग और निस्वार्थ दोस्ती सीरीज का हाईलाइट है यह कुछ उसी तरह है जैसे द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी और जेके होते हैं तोफिन्स फर्जी एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म है जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का साल लेखन भी किया है इस फिल्म में शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भूवर अरोड़ा हैं यह एक निराश कलाकार की कहानी बताती हैं जो नकली पैसा बनाने का फैसला करती हैं तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज और डी ने और इस फिल्म को अभिनत किया है शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है केतन सोढ़ा ने सचिन जिगर और तनीष बख्ची जी ने देश भारत भाषा हिंदी में इस फिल्म को बनाया गया है तो शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई फर्जी को 2019 तक एक टेलीविजन श्रृंखला में विस्तारित किया गया था और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन अलीबाग गोवा नेपाल और जार्डन में भी हुआ था सचिन जिगर और तनिष बख्ची ने गीतों की रचना की है जबकि केतन सोढ़ा ने स्कोर प्रदान किया है यह श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है आठ एपिसोड की श्रृंखला दस फरवरी दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी फारजी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्टीमिंग श्रृंखला के रूप में ओवरी फरवरी 2023 के अंत तक कपूर ने पुष्टि की है कि सो दूसरे सीजन के लिए वापस आएगा तो फ्रेंड्स अर्जी सनी के बारे में जो एक जो अपने दादा की व्यापक प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आय असमानता से निराश हो गए हैं वो नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यह निर्माता राज निधि मोरू के अनुसार फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ है नकली जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे तो संदीप सनी के रूप में शाहिद कपूर हैं एक निराश कलाकार हैं विजय सेतुपति माइकल वेदनायागम आईपीएस के रूप में हैं एक विशेष कार्यबल अधिकारी और जालसाजी और मुद्रा धोखाधड़ी विश्लेषण और अनुसंधान टीम सी सी ए एफ ए आर टी के प्रमुख हैं मंसूर दलाल के रूप में के के मेनन एक आपराधिक मास्टरमाइंड जो जार्डन में स्थित भारत में नकली नेटवर्क का प्रमुख है राशि खन्ना मेघा व्यास के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की एक अधिकारी जो बाद में सी सी एफ ए आर टी में शामिल हो गई हैं फिरोज के रूप में भुवन अरोड़ा सनी के सबसे अच्छे दोस्त और साथी हैं यासिर के रूप में चिरंतन गिरी क्रांति पत्रिका के एक कर्मचारी हैं जाकिर हुसैन वित्त मंत्री पवन गहलोत के रूप में हैं सी सी एफ आर टी के सदस्य शेखर गहलोत के रूप में जसवंत सिंह दलाल हैं माधव के रूप में अमोल पालेकर सनी के दादा और क्रांति पत्रिका के मालिक भी हैं तो शायरा के रूप में कुब्रा सैद मंसूर की वरिष्ठ हैं। माइकल की पूर्व पत्नी रेखा राव के रूप में रेजिना कैसेड्रा हैं और काव्या थापर अनन्या के रूप में सनी की पूर्व प्रेमिका हैं। चिरंतन त्रिपाठी माइकल के तलाक वकील के रूप में हैं लकड़ावाला के रूप में लोकेश मित्तल हैं जीतू काका मंसूर के चाचा और मैनेजर के रूप में विजय कुमार हैं साकिब अयूब अनीस सनी और फिरोज के दोस्त और एक छोटे गुंडे के रूप में हैं करण मान कमांडर मुर्तजा के रूप में हैं मंसूर के गुर्गे बिलाल के रूप में निर्मित और निर्देशित की गई है जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सालेखन भी किया है इस फिल्म में शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा हैं और यह एक निराश कलाकार की कहानी बता जो नकली पैसा बनाने का फैसला करते हैं तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज और डीके ने और इस फिल्म को लिखा है सीता मेनन सुमन कुमार राज और डीके जी ने और इस फिल्म को स्टार कास्ट किया है शाहिद कपूर विजय सेतुपति के के मेनन राशि खन्ना भोन अरोड़ा जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है सचिन जिगर जी ने और तनीष बख्ची ने उत्पादन कंपनी है डी टू आर फिल्म के तहत इस फिल्म को उत्पादित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी फर्जी को दो हज़ार उन्नीस तक टेलीविज़न श्रृंखला में विस्तारित किया गया था और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन अलीबाग गोवा नेपाल और जार्डन में भी हुआ था सचिन जिगर और तनिष बख्ची ने गीतों की रचना की जबकि केतन सोढ़ा ने स्कोर प्रदान किया है और ये श्रृंखला राज और डीके की जासूसी श्रृंखला दा फैमिली माइन के साथ निरंतरता साझा करती है आठ एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी फर्जी को सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है फरवरी 2023 के अंत तक कपूर ने इसकी पुष्टि की कि शो दूसरे सीजन के लिए वापस आएंगे फ़र्जी सनी के बारे में जो एक कलाकार हैं जो अपने दादा की व्यापक प्रिंटिंग प्रेस को व्यवसाय में रखने में विफल रहने के बाद भारत में आए असमानता से निराश हो गए हैं वो नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करते हैं और उन्हें एक गैंगस्टर मंसूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सह निर्माता राजनिद मोरू के अनुसार फर्जी शीर्षक जिसका अर्थ है नकली जालसाजी के साथ साथ लोगों में निहित नकलीपन को संदर्भित करते हैं सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे तो फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करता है परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे में पड़ जाता है है। निराश होकर सनी और फिरोज ने 500 सौ रुपए के नकली नोट छापने का फैसला किया और प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है इस बीच एक दृढ़ निश्चय अधिकारी माइकल नेपाल में अपने प्रतिद्वंदी जालसाजी सरगना मंसूर दलाल को पकड़ लेता है हालांकि मंसूर बच जाता है और बाद में मंसूर सनी और फिरोज का अपहरण भी कर लेता है